हेलो बच्चों मेरा नाम है अभिनव पाठक और मैं लेकर आया हूँ क्लास ट्वेल्थ का अगला वन शॉट जिसका नाम है शांतता था औकल नीयता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेहद इंपॉर्टेंट है कैलकुलस जो हमारे पास पार्ट है कलन का जो पार्ट है उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है शांतता था औकल नीयता इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर काफी बड़ा है क्योंकि 5.1 से 5.7 तक की एक्सरसाइज दी गई है जिसमें 5.1 में केवल शांतता के बारे में दिया गया पहले अवकलनीयता का पार्ट रहता था अब नियता में केवल डिफ्रेंसिएशन का पार्ट रह गया है औकलन या अवलच का पार्ट रह गया है बाकी शांतता और अवकलन के बारे में ही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है जिससे हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे 5.1 से 5.7 तक तो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंस बता दें तो पता है आप लोगों को पता भी होगा जिसने देखा भी होगा कि 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से आते हैं जो कलन के पार्ट कलन में कौन-कौन से संतता अवकलन लिया था हमारे पास फिर उसके बाद आ जाता है समाकलन और समाकलन के बाद ये अवकलन के अनुप्रयोग इससे पहले आएगा फिर समाकलन आ जाएगा फिर समाकलन के अनुप्रयोग आएगा और औकलन समीकरण आएगा इन पांच चैप्टर से ही पैंतालीस नंबर के कम से कम आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जो 5.1 एक्सरसाइज है इस चैप्टर की अगर हम छोटी सी बात कर लें तो केवल इसमें 5.1 जो एक्सरसाइज है उससे कम से कम दो क्वेश्चन मिलेंगे बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेहद इंपॉर्टेंट केवल शांतता के बारे में है बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम दो क्वेश्चन मिलेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा एक बीच का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है तीन या चार नंबर का बन जाता है क्वेश्चन बहुविकल्पी बनने के काम जो चांसेस रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं इस चैप्टर से इस जो पहला फाइव रहती है मैक्सिमम चांस रहेगा अच्छा क्वेश्चन बनेगा और बढ़िया क्वेश्चन होता है एकदम मजेदार क्वेश्चन होता है और आराम से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है उसके बाद 5.2 से अगर हम 5.7 तक जाएंगे तो फिर हमें अवकलन की बात करनी है या अवकलच की बात करनी है तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में लिया है अगर मैं पूरा एक ही पार्ट में कराने की कोशिश करता हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन लेक्चर जो होगा वो चार से साढ़े चार घंटे का पहुंच जाएगा फिर आप लोगों को दिक्कत होगी तो इसलिए मैंने कोशिश करिए कि दो दो घंटे के दो पार्ट बना देते हैं ताकि और अच्छे से आप लोग समझ सको ठीक क्योंकि दो घंटे के बाद एक बार माइंड भी सेचुरेट करने लगता है चीजें अंदर लेना बंद कर देता है सबके साथ नहीं होता कुछ लोगों को आदत हो जाती फिर वो करते रहते हैं लेकिन अपने को कोशिश करनी है कि पूरी चीजें अंदर चली जाए सब कुछ एकदम आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और बेहद इंपॉर्टेंट भी है और मुझे सारे क्वेश्चन भी कराने थे कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा कि हवा में चल रहा है कुछ ऐसा नहीं करना है कि बस वन शॉट तो लिया लेकिन वन शॉट का मतलब ये नहीं कि दो घंटे का कोई लेक्चर ले लो और उसमें दो चार दस क्वेश्चन करा दो और वन शॉट हो गया नहीं वन ट का मतलब होता है कि पूरा रिवीजन उस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाए हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए जिससे किसी भी अन्य टाइप का क्वेश्चन भी फ्रेम होता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सको सिर्फ उस वन शॉट की मदद से तो इसलिए वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है फाइव पॉइंट वन एक्सरसाइज जो है इसके स्पेशली मैंने पाँच छः सात क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग टाइप के जिससे वो चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे उस उस जो पहली प्रश्नावली उसमें कोई भी डाउट ना रहे आप लोगों को और उससे क्वेश्चन आना ही आना है तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले 5.1 की बात करेंगे उसी में काफी टाइम लगने वाला है क्योंकि हमने उसमें काफी क्वेश्चंस लिए लिए हैं अभी तक जितने भी चैप्टर उनमें इतने क्वेश्चन किसी में नहीं कराए जितने मैंने में करा तो फाइव तो वन से स्टार्ट करते हैं सांतता से स्टार्ट करते हैं क्या होती है सांतता वहीं से चलेंगे फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग औकलन के बारे में जान लेंगे और जितना औकलन का पार्ट इसमें हो गया तो उतना कर लेंगे बाकी सेकेंड औकलन और जान लेंगे ठीक है तो फिर आ जाइए सभी लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को जरूर हमें बताएंगे कि किसने पूरी क्लास देखी मैं हर लेक्चर हर वन शॉट में बोलता हूं कि सब लोग जरूर हमें बताया करो कि किसने पूरा वन शॉट एक बार में कंप्लीट किया और कैसा था वन शॉट जरूर मुझे क्लास के बाद कमेंट करके बताया करो क्योंकि क्लास में तो मैं अभी कमेंट नहीं पढ़ता हूँ लेकिन क्लास के बाद जब आप निकलेंगे तो आप जरूर कमेंट करके जाया करिए ताकि मैं वहां पर देख सकूं मैं वहां पर सभी के कमेंट्स वहां पर पढ़ता हूं ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है शांतता शांतता के बारे में बात करें तो इंग्लिश में इसे कॉन्टीन्यूटी बोलते हैं निरंतरता सीधी सी बात यह तो अगर हमें शांतता की बात करनी है या कंटिन्यूटी की बात करनी है तो शांतता मतलब कौन से फलन शांत या शांतता होती है देखो लिखा हो या शांतता हो दोनों बातों का मतलब एक है कंटिन्यूटी से ही मतलब है लगातार या निरंतर होने से ही मतलब है शांतता होता क्या है शांतता का मतलब क्या है किसी फलन की अगर हम शांतता की जाँच कर रहे होते इससे हमने इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो इलेवंथ में लिमिट वाला चैप्टर पढ़ रखा है वो इसका बेसिक है इसी का ये आगे वर्जन है हमारे पास शांतता वाला तो शांतता की अगर हम बात करें सभी को पता है कि शांतता में अगर किसी फलन का अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं अगर हम किसी का फलन का ग्राफ बनाते समय अगर हम पेन अपना नहीं उठाते ऐसे ऐसे कोई हमने ग्राफ बनाया कोई भी वक्र बना दिया इस किसी भी फलन का हमने ये ग्राफ बनाया और हमने पेन नहीं उठाया हमने लगातार इस ग्राफ को बना दिया तो वह फलन शांतत फलन होता है ये बात हम जानते हैं और संतत ना होने का मतलब क्या है फलन पेन उठाने का मतलब क्या है कि अगर हमने मान लो कोई ग्राफ बनाया कुछ इस प्रकार से और यहां से पेन उठाया फिर अगला ग्राफ यहां से स्टार्ट किया एक यहां पर यह बंद हुआ यहां से स्टार्ट हुआ तो ये फलन संतत नहीं है मतलब कि फलन का ग्राफ बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ गया तो हमारे पास ही हमने कह दिया कि यहां पर फलन का जो है ये ब्रेक हो रहा था इस पॉइंट पर और यहां से हमने उठाया पेन और यहां से हमने क्या किया दोबारा से ग्राफ बनाया मतलब कि फलन शांत नहीं रहा फलन अशांत हो गया ठीक तो वैसी एक डेफिनेशन जो हमारे पास होती है एक नॉर्मल डेफिनेशन जो होती है वो यही होती है कि अगर हम किसी फलन का ग्राफ बना रहे हैं और वो हम बिना पेन उठाए बना देते हैं, तो हैं ठीक है तो पेन, पेन तो ये तो बात हो गई ग्राफ के माध्यम से अब हमें तो ग्राफ तो सभी का बनाना नहीं हमें तो लिखकर ही मैथमेटिकल फॉर्म में ही दिखाना है कि फलन संतत है, है तो उसके लिए हमें कैसे लिखना होता है उसके लिए हमें लिखना होता है मान लो हम लिखते हैं हटा देते हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं मान लो फलन एफ एक्स की अगर हम किसी बिंदु पर शांतता निकाल लें फलन एफ एक्स की बिंदु ए पर शांतता अगर हम फलन एफ एक्स की बिंदु ए पर कोई बिंदु कोई A है, जहाँ पर हम चेक करना चाहते नहीं RHL ये क्या है? LHL हमारे पास होता है उस फलन की बाईसी मतलब होता है उस फलन की दाई सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए उस बिंदु पर फलन के मान के अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाइड होती है तो हम कह देते हैं कि उस बिंदु पर फलन हमारा संतत है सीधी सी बात यह है कि अगर एलएचएल बराबर है आलेचल के और बराबर है उस बिंदु पर फलन के मान के तो हम कह देते हैं कि फलन हमारा कैसा है संतत है एलएचएल और आरएचएल निकालते कैसे सर एलएचएल जब निकालते हैं एलएचएल का मतलब क्या होता है सर एलएचएल का मतलब होता है मान लो कोई हमारे पास फलन दिया गया है मान लो फलन हमें चेक करना है लिमिट x बराबर a पर मान लो फलन की हमें जांच करनी है ठीक इसी की बात कर लेते हैं में x बराबर a पर, x बराबर बराबर a a पर पर अगर हम LHL निकाल लें फलन की बाई सीमा तो कैसे निकालेंगे इसके लिए हम लिखते हैं इसका एक फिक्स पैटर्न है सभी क्वेश्चंस में हम वही फॉलो करेंगे प्रॉपर पैटर्न है उसी पैटर्न के माध्यम से ही हम क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे उसी फिक्स पैटर्न से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर हम एक्स बराबर a पर फलन की बाई सीमा निकालने एल एच एल निकालने तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस ये a माइनस क्या डिनोट करता है जैसे मान दो हमारे पास यहां पर कहीं बिंदु a है ठीक यहां पे बिंदु a है इस बिंदु पर हम फलन का मान निकालना था इस बिंदु पर हमने पहले इस फलन की बाई सीमा निकाली तो बाई सीमा का मतलब क्या a से थोड़ा सा बाई उ

और माइनस का एच यहां पर आ जाता है एच क्या होता है एच सर एक धनात्मक वास्तविक संख्या होती है जो टेंड्स टू जीरो बिल्कुल जीरो के बराबर ही है लेकिन जीरो नहीं है हम उसको जीरो नहीं कहेंगे धनात्मक होएगा कुछ भी ले सकते हो जैसे जीरो 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 के पास ही होता है एच की जो वैल्यू होती है एकदम जीरो के एकदम पास में होती है एकदम करीब होती है बस इतना दिमाग में रखो कि एच जो है वो धनात्मक वास्तविक संख्या है जो टेंड्स टू जीरो जीरो की ओर अग्रसर है तो बिल्कुल जीरो के पास में इतनी सी बात याद रखो तो जब भी एक्स का एक फिक्स पैटर्न है कि हम एक्स को फिर हम एच में बदलते एच को एफ ए माइनस एच हम यहां पर लिख देते हैं यह फलन की हो जाती है बाई सीमा सेम इसी प्रकार से जब हम दाई सीमा निकालेंगे आर एच एल तो कैसे लिखेंगे लिखेंगे सर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स अब इस बार हम क्या करते हैं यहां पर एच टेंस टू जीरो हो जाता है जैसे एक्स को एच में बदलते हैं फिर एफ ऑफ ए प्लस एच ठीक यहां से ए और प्लस का एच वही चीज हम लिखते हैं ये हमारे पास LHL निकालने के लिए पैटर्न है और उस बिंदु पर फलन का मान तो हम निकाल ही लेंगे सीधे क्वेश्चन के माध्यम से अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलें थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कराया है कि क्या क्या चीजें हैं एल एच एल एच एल एच एल निकलता कैसे आर एच एल कैसे न? अभी एल एच एल आर एच एल एकदम दिमाग में घुस जाएगा जब इतने क्वेश्चन कर लेंगे ना अभी सारी चीजें घुस जाएंगी जो भी चीजें चल रही पहला क्वेश्चन हम सीधा स्टार्ट कराए पहले कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन लिए हैं क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मैंने बारह लिया है तो पहले एक दो कुछ बेसिक क्वेश्चन है और फिर सारे अच्छे लेवल के धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और हमने सारे वो क्वेश्चन लिए हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए पिछले क्लास में पूछे गए ये 2000 कुछ में पूछा 2020 में शायद आया हुआ क्वेश्चन है सिंपल है तीन नंबर में पूछा गया लेकिन 2020 में पूछा गया अगला क्वेश्चन जो ये है 2022 में पूछा गया अभी पिछले साल पूछा गया था 2022 में पिछले के पिछले साल 2022 में आया हुआ तो मैं सन नहीं डालने वाला कि कब पूछा गया था लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं जो आपके पीवाईक्यूज हैं जो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं

एक हमारा सर परिभाषित है यहाँ पर अगर हम देखें तो x लेस देन इक्वल टू वन के लिए और एक्स ग्रेटर क्या होता है जब भी फलन हमारे पास टुकड़े या हिस्से के रूप में दिया जाता है तो उसी फलन की अगर हम यहाँ पर सीमा हमें यहाँ पर फलन में क्या ज्ञात करनी है एलएचल और आचल निकालना है फलन की बाएं और दाएं सीमा निकालनी क्योंकि कह रहा है परिभाषित फलन एक संतत फलन है क्या आगे लगा है तो यहां पर हमें बताना है कि यह फलन संतत है या नहीं यह हमें बताना है तो संतर और असंतत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा हमें उस बिंदु पर फलन का मान निकालना होता है जहां पर फलन अपनी परिभाषा बदल रहा हो इस बात का मतलब क्या है कि फलन अपनी परिभाषा बदल रहा हो इस बात को एक बार ध्यान समझ लो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी परिभाषा बदलने का मतलब इससे है कि जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन थी तो फलन का मान य था और ग्रेटर देन फॉर वन पर मतलब वन पर फलन अपनी परिभाषा बदल रहा है वन पर फलन टूट रहा है मतलब फलन वन पर वैल्यू वन तक कुछ और वैल्यू थी और वन से जैसे ही बड़ी वैल्यू हुई उसके बाद फलन की वैल्यू कुछ और हो गई वहां पे फलन टूट गया तो इस बिंदु पर ही हम फलन का मान निकालेंगे बाकी बिंदुओं पर तो फलन वैसे भी संतत होगा सिर्फ हमें डाउट कहां पर होता है सिर्फ हमें डाउट उस जगह पर होता है जहां पर फलन अपनी परिभाषा बदल रहा हो जहां पर फलन अपना टुकड़ा कर रहा हो हिस्सा कर रहा हो कि वन से छोटे के लिए फलन का मान कुछ और दिया गया है वन से बड़े के लिए फलन का मान कुछ और दिया गया है तो वन से छोटे और बड़े के लिए जब अलग अलग वैल्यू दी गई है ऐसे वन पर टूट रहा है कभी हो सकता है जीरो पे टूट रहा हो कभी टू पे टूट रहा हो कभी फोर पे कभी माइनस टू पे माइनस फोर पे सिर्फ उसी बिंदु पर हमें डाउट रहता है कि उस बिंदु पर हमें फलन का क्या करना पड़ता है एल और आर निकालना पड़ता है अगर उस बिंदु पर एल एचल और आर एचल और उस बिंदु पर फलन का मान बराबर आ गया तो उस बिंदु पर भी संतत हो जाएगा और अगर वो एल एचल आर एचल बराबर नहीं आया तो मतलब कि उस बिंदु पर फलन का मान संतत नहीं है सीधी सी बात यह तो डाउट कहां पर होता है जहां पर फलन टूट रहा हो कहां पर टूट रहा है एक्स बराबर वन पे टूट रहा है वन पर देखो वन से छोटी वैल्यू के लिए फलन का मान कुछ और है बड़ी वैल्यू पर वन का मान कुछ और है तो इसीलिए बोलते हैं कि वन पर फलन अपनी परिभाषा बदल रहा है परिभाषा बदलने का मतलब दो अलग अलग मान दे रहा है बस इतनी सी मतलब है तो जहां पर फलन टूटता है बस वहीं पे निकालना होता है वहां पे लिखा हो या ना लिखा हो यहां पे कहीं नहीं लिखा कि x बराबर वन पर फलन का मान निकालो लेकिन ये हमें खुद से पता है कि हम कहां पर निकालेंगे क्योंकि तो वन पर फलन परिभाषा बदल रहा है तो वन पर ही निकालेंगे जहां पर बदल रहा है बस वहीं पर उस बिंदु पर लो बाकी बिंदुओं पर वैसे भी संतत होता है हमेशा यही होता है कि वन के अलावा आप टू फोर फाइव कुछ भी कोई और बिंदु लोगे फलन सतत हो गया लेकिन वन पर ही हमें चेक करना होता है वहीं पर डाउट होता है कि वन पर संतत है या नहीं है Osionfish. तो पहले वन पे निकालते कैसे करना है कैसे एग्जाम में लिखना प्रॉपर उसी तरीके से परिभाषा बदल रहा है तो पर हम शांतता की जांच करेंगे ठीक वन पर हमने लिखा अब एक्स बराबर वन पर पहले क्या निकालोगे एल एच एल निकालोगे तो लिखा आपने एल एच एल कोई दिक्कत नहीं एल एच एल लिखो बाई सीमा लिखने को कोई जरूरत नहीं है कि फलन की बाई सीमा दाई सीमा चल लिखो ठीक लिमिट फिक्स पैटर्न है यही सब में दो तीन लाइने रहेंगी हर बार लिमिट एक्स टू जैसे वहां पर 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 एक्स बराबर ए ए निकाल रहे थे तो यहां माइनस हो गया था अब यहां पर क्या है वन पर तो वन माइनस एफ ऑफ एक्स अगली लाइन क्या होगी अगली लाइन होगी हम लिमिट एक्स को एच में बदलेंगे एच टेंस टू जीरो हमारे पास लिमिट है लिमिट माइनस क्या हो जाता है लिमिट माइनस हमारे पास जो हमारे पास एच है तो लिमिट हमारे पास क्या है जीरो तो सीधा जीरो माइनस एच लिखते लिमिट माइनस का एच ये लिमिट माइनस एच लिमिट माइनस एच होता है ना देखो यहां पर पीछे हो लिमिट क्या होती थी लिमिट हमारे पास ए थी तो ए माइनस एच और एच के बारे में हम बता चुके H हमारे हमारे पास पास क्या है H हमारे पास जीरो के है के के वैल्यू एकदम पास की वैल्यू होगी और धनात्मक होगी जीरो पॉइंट जीरोनात्मक मान लो जीरो के एकदम पास वाली है, बस जीरो नहीं मानना। आप अपने दिमाग में तो रुक जाओ अब हमें क्या करना है अब हमें फलन एफ एक्स में जैसे फलन एफ एक्स था अब एक्स की जगह हमें क्या रखना है जीरो माइनस एच लेकिन कहां पर रखना है मतलब हमें कहां पर रखना है LHL में 0 से से छोटी वैल्यू के लिए माइनस लगा था ना तो वन से छोटी वैल्यू के लिए तो वन से छोटी वैल्यू हमें कहां मिलेगी मतलब कि हमें एल एच एल जो सर मिलेगा वन से छोटा मान जो मिलेगा वो हमें कहां मिलेगा यहां पर यहां पर मिलेगा एल एच एल ठीक क्योंकि वन से छोटी वैल्यू यही है और x का मान जब 1 से बड़ा है तो ये हमारे पास फलन का, है, मा minus, का जब वन से थोड़ा से मान मतलब एक्स तो की पावर दस माइनस वन है और जब एक्स से बड़ा है तो हमारे पास एक्स स्क्स तो एच करेंगे मतलब जीरो से कुछ बढ़ जाएंगे सीधा या वन से कुछ बढ़ जाएंगे ठीक यहां पर लिमिट हमारे पास कह दी गई थी जीरो प्लस हमारे पास लिमिट अच्छा वन है यार तभी यार तभी कंफ्यूजन हो रहा है ये वन हो ना। लिमिट वन थी ना, तो वन माइनस एच होगा जैसे यहां पर लिमिट ए थी ना कि ए थी तो ए माइनस एच होता है तो लिमिट यहां पर क्या है वन तो वन माइनस एच होगा हम जीरो लिख रहे थे तभी कंफ्यूजन हो रहा था कोई ना कोई ना फिर से समझ लेते हैं ठीक जब हमारे पास क्या होगा वन माइनस मतलब कि वन माइनस एच जब वन माइनस एच है मतलब कि वन से थोड़ा सा कम तो वन से थोड़ी सी कम वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास तो एल एच एल तो हमें यहां से मिल जाएगा और वन से जब बड़ी वैल्यू है तो आर एच एल यहां से मिल जाएगा ठीक तो रख देते हैं बस फलन में और कुछ नहीं करना है यहां पर क्या करोगे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो जहां फलन में एक्स होगा वहां वन माइनस एच रख देंगे एक्स कहां पर है ये एक्स की पावर टेन माइनस वन एल एच एल में रखना है तो एक्स की पावर टेन माइनस वन तो एक्स की जगह पर क्या रख देंगे वन माइनस एच की पावर टेन और माइनस का वन ठीक रख दो सीधे हम लिमिट की वैल्यू रख देते हैं लिमिट की वैल्यू रखो एच की जगह जीरो रखा तो यहां से हो जाएगा वन माइनस जीरो की पावर टेन माइनस वन तो वन माइनस वन मतलब कि जीरो एल एच एल हमारे पास जीरो आ गया सीधी सी बात है ठीक ऐसे ही सेम आरएचएल निकालेंगे इसको छोड़ दो आरएचएल लिखते हैं आरएचएल में सेम वैसे ही लिखोगे जैसे एलएचएल में लिखा वैसे आरएचएल लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू ध्यान से देखना फिर से पूरा लिख रहे हैं एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स जैसे एलएचएल में वन माइनस था यहां पे 1 प्लस फिर से आओ लिमिट इसको h में बदलेंगे h टेंस टू 0 f ऑफ ये 1 है तो 1 प्लस यहां h यहां पर 1 माइनस h यहां पर 1 प्लस h अब हमारे पास वन प्लस एच मतलब वन से थोड़ा सा अधिक एच की वैल्यू क्या होती .1 ली है हमेशा जीरो पॉइंट जीरो वन से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू वन से थोड़ी बड़ी वैल्यू कहां मिलेगी यहां पर क्योंकि एक्स की जब वैल्यू वन से बड़ी है एक्स ग्रेटर देन वन है तो फलन का मान एक्स स्क्वायर है मतलब आर एचल हमें यहां से मिलेगा तो जहां पर फलन में एक्स है वहां पर वन प्लस एच रख दो

सीधे हमने देखा यहाँ पर सर एल एचल आर एच एल के बराबर नहीं है अब फलन पर उस बिंदु पर निकालने का मतलब ही क्या है जब पहले एल एचल आर एच एल तो बराबर आए तब तुम तो उस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे इस यहां पर हम कह सकते हैं कि एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है अतः x बराबर a पर फलन संतत नहीं है क्या लिखेंगे अतः यहाँ पे लिख देते हैं अतः x बराबर वन पर फलन असंतत है लिख दो सीधे संतत नहीं मतलब असंतत है संत बस यही क्वेश्चन में करना है हर जगह फिक्स पैटर्न है इसी पैटर्न के हिसाब से चलेंगे पहले हम एल निकालेंगे आर एचल निकालेंगे अगर ये दोनों बराबर आ गए तो उस बिंदु पर फलन का मान निकाल लेंगे कि अगर उसके बराबर है कि नहीं अगर एल एचल आर एचल के बराबर ही नहीं है तो हम सीधे कह देंगे कि उस बिंदु पर फलन संतत नहीं है सीधी सी बात जब हम एल निकालेंगे तो हमेशा हम बाई तरफ आर थोड़ा सा दाई तरफ सेम इसी फिक्ट पैटर्न के हिसाब से चलेंगे ऐसे ही वैल्यू रखनी वैल्यू कैसे रख रहे हैं ये पता ही है जैसे x जहां पर होगा वहां वन माइनस एच रखेंगे यहीं पर क्यों रखा क्योंकि वन से छोटी वैल्यू थी वन में से कुछ घटा रहे थे वन में से कुछ कम कर रहे थे वन से कुछ कम कर रहे हो मतलब वन से कम हो रहा है वन से कुछ कम करोगे मतलब वन से छोटी हो जाएगी वैल्यू तो हम इसमें रख रहे हैं जब हमने वन प्लस एच किया मतलब एच कोई धनात्मक वैल्यू मतलब वन में कुछ जुड़ेगा ही वन में कुछ जुड़ेगा तो फलन का मान हम इसमें रखेंगे तो इसलिए यहां पर रखा

कि वन पर तो निकालते ही हम वैसे भी क्योंकि वन पर तो फलन बदल ही रहा है परिभाषा दिख रहा है कि सर वन से छोटी की वैल्यू फलन का मान कुछ और है वन से बड़े के लिए फलन का मान कुछ और है वन पर तो हम वैसे भी ज्ञात करते हैं क्योंकि जहां पर संदेह में वही होता है जहां पर फलन अपना टूट रहा होता है परिभाषा बदल रहा होता है लेकिन जीरो और टू पर भी निकालना पड़ेगा इसने कह दिया है जबकि हमें पता है कि जीरो टू पर संतत होएगा वन ही जहां पर टूट रहा है ना वहीं पर होता है वो संत हो सकता है संत हो संतत भी हो सकता है जहां पे टूटता है लेकिन जो अगल बगल और दूसरे पॉइंट लोगे मैक्सिमम चांस होता है कि वहां पर संतत होगा होता ही संतत ही होगा जीरो टू पे देखना भी संतत आएगा लेकिन वन पर हमारे पास संत होगा लेकिन जीरो टू का केस समझना भी इंपॉर्टेंट है समझते हैं पहले वन पर चलते हैं वन पर तो दिख ही रहा है परिभाषा बदल रहा जैसे वन पे ऐसे निकाला था इधर वैसे ही सेम उधर निकालते हैं पहले वन पर बात करते हैं एक्स बराबर वन पर ध्यान से देखना है फिर से वैसे ही पूरा लिख रहे हैं x वन पर पहले संतत्ता की जांच कर रहे हैं फलन हमारे पास एफ एकस एकस है जब एक्स की वैल्यू लेस देन हमारे पास वन हैल है, है, मतलब यहां, यहां से मिल जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के लिए ये है ठीक चलते हैं ध्यान से आ जाओ लिमिट एक्स टेंस टू वैसे ही लिखेंगे कैसे कोई दिक्कत नहीं वन माइनस एफ एक्स सेम पैटर्न है वैसे फिर लिमिट को कुछ कम हो रहा है एच एच धनात्मक मान है कुछ कम हो रहा है मतलब वन से छोटी वैल्यू वन से छोटी वैल्यू ये एक्स मतलब कि हम जहां पर फलन में एक्स है वहां पर वन माइनस एच रख देंगे तो रख दो लिमिट एच टेंस टू जीरो आर एच एल और निकाल लेते हैं देख लेते हैं यहाँ पर आर एच एल अगर बराबर आ गया तो हम उस बिंदु पर फलन का मान निकाल लेंगे और अगर बराबर होगा तो कह देंगे संतत है अगर नहीं बराबर होगा तो असंतत होगा आर एच एल निकालते हैं तो एल एच एल हो गया एच एल आरएचएल निकालते हैं सेम इसी पैटर्न से लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस था वहां पे पे यहां वन प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो वन को हमने एच में टेंज किया एफ ऑफ वन और प्लस का एच ठीक ये वन और प्लस फिर से एच वन प्लस एच का मतलब वन से थोड़ी सी वैल्यू वैल्यू वन से बड़ी वैल्यू कहां मिलेगी फाइव पर तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जहां फलन में हमें दिख रहा है, कि X है वहाँ पर अचर फलन है तो सीधा डायरेक्टली यहां पर फाइव लिख दो यहाँ पे वन प्लस एच कहा रखोगे एक्स की जगह लेकिन यहाँ पर एक्स है ही नहीं एक्स वाली जगह पर रखना है ना एक्स नहीं है मतलब फाइव है तो केवल अचर फलन है तो केवल फाइव लिख दो अब लिमिट रख दो जहां जहां फलन में एच दिख रहा है वहां पर जीरो रख दो जैसे जहां पर एच दिख रहा था वहां पर हमने जीरो रख दिया था तो वन माइनस जीरो वन आ गया था इस फलन में कहीं एच दिख रहा है यार नहीं दिख रहा है जब नहीं दिख रहा है तो कहां रखोगे डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा नहीं दिख रहा है ना तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा फाइव ये ना लिख देना कि जीरो कर देना इसको फाइव है तो फाइव क्योंकि एच की वैल्यू कहीं रखने की जगह ही नहीं है जब एच है ही नहीं कहीं रखना ही नहीं तो अचर फलन है उसका मान सेम वही रहेगा बदलेगा नहीं तो फाइव का फाइव उठकर आ जाएगा ठीक तो फलन का मान कितना आ जाएगा फाइव तो यहां से दिख रहा है कि एल एच एल बराबर ही नहीं है LHL बराबर नहीं आर एचल के यहां से हमें साफ दिख रहा है कि एल एच एल आर एचल के बराबर नहीं है हम लिख देंगे अतः एक्स बराबर वन पर फलन

आप डायरेक्ट जैसे एक्स वन पर चेक करना था डायरेक्टली रख के देख लो सीधे रख दो फलन में पे माइनस वन वन, वन वन की पावर टेन वन माइनस वन वन से वन कट के जीरो आ जाएगा यहां पर रखो तो वन का स्क्वायर क्या आएगा वन यहाँ पर वैल्यू जीरो है यहाँ पर वन मतलब कि फलन का मान बराबर ही नहीं है यहाँ पर वैल्यू वन जीरो आ रही यहाँ पर वन आ रही जीरो वन के बराबर नहीं है मतलब कि फलन असतत है पर पर आओ, पर भी रखो। वन रखो ये फलन का मान वन यहाँ पर x बराबर वन रखो तो वन रखोगे तो भी फाइव ही रहेगा यहाँ पर वन आ रहे यहाँ पर फाइव वन फाइव के बराबर नहीं फलन असतत है हमेशा आप डायरेक्टली मान रख के सिर्फ चेक कर सकते हो ये जांच कर सकते हो कि फलन सतत है या असतत है करना नहीं है करना हमें आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो एमसीक्यू में आ जाए तो आप डट से टिक मार के निकल जाओगे फलन का मान रख के देख लो अगर ये दोनों फलन के मान बराबर आ जाए तो सतत है नहीं तो नहीं है ठीक है चले आगे अब बात करते हैं एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान की ठीक जहां पर फलन परिभाषा बदल रहा उसके लिए तो चेक ही कर सकते हैं बस ठीक है और टू पर आप चेक करना है कोई दिक्कत नहीं जीरो पर निकालना है एक बार जीरो से छोटी वैल्यू के लिए एक बार जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए वैसे ही लिखेंगे हम कोई दिक्कत नहीं लिमिट एक्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जैसे वन होना था तो वन माइनस जीरो है तो जीरो माइनस लिमिट एच टेंस टू इसको एच में बदलते हैं एफ ऑफ जीरो माइनस एच ठीक जो लिमिट है माइनस का एच कोई दिक्कत नहीं अब एक छोटी सी चीज बताओ एच की वैल्यू हमने बताई थी आपको कि लगभग जीरो के बराबर है लेकिन जीरो से कुछ ज्यादा है जीरो पॉइंट जीरो वन है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन है कुछ भी मान लो जीरो से कुछ धनात्मक मान हम यहां पर घटा रहे हैं तो जीरो से कुछ घटा रहे मतलब कि जीरो से पहले जीरो से छोटी वैल्यू रहेगी और जीरो से छोटी वैल्यू मतलब कि निगेटिव नंबर जीरो से छोटा ही मान रहेगा तो कौन सा फलन लेंगे इसमें ये दो फलन है कौन सा फलन लेंगे जब हम जीरो माइनस एच किस फलन में रखेंगे इस वाले फलन में या इस वाले फलन में ये कह रहा है जीरो से छोटी वैल्यू जीरो माइनस एच मतलब जीरो से कुछ कम और ये वन से कम के लिए अरे वन से कम है तो जीरो से कम तो हो ही गई अपने आप तो किसमें रखोगे इसमें रखोगे ना ये तो वन से बड़ी वैल्यू है वन से बड़ी वैल्यू तो है नहीं ये तो हमारे पास जीरो से हमेशा छोटा मान आएगा और जीरो से छोटा मान आएगा मान फलन का मान हम किसमें रखेंगे हम इसमें रखेंगे क्योंकि वन से छोटी वैल्यू ये है अगर वन से छोटी है तो जीरो से छोटी तो हो ही गई अरे जो चीज वन से छोटी है वो हमारे पास जीरो से छोटी अपने आप हो गई तो कहां रखोगे यहां पर लिख दो लिमिट एच टेंस टू जीरो जहां पे फलन में एक्स है वहां पर जीरो माइनस एच रख दो हमने रख दिया जीरो जगह वैल्यू रख दो तो जीरो माइनस जीरो जीरो निकल कर आ गया तो फलन की बाई सीमा जो थी हमारे पास LHL जो थी लिख देते हैं पर वो कितनी आ गई वो हमारे पास जीरो के बराबर निकल आई आर एच एल के लिए जगह है यहीं पर निकल आती यार। निकाल यही पे। है यहीं पे ठीक आर एच एल लिखते हैं यहीं पर आर एच एल की अगर बात करूं वैसे ही चलते हैं जैसे अभी तक लिख रहे थे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स पहली लाइन यही है दूसरी लाइन सेम है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस है तो जीरो प्लस एच वहां जीरो माइनस था तो जीरो माइनस है तो जीरो प्लस एच हो गए ठीक फिर से ध्यान से एच का मान हमने क्या बताया कोई धनात्मक मान जो जीरो के पास में है मतलब जीरो पॉइंट में हमने कहा था जीरो वन डालो या जीरो, 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 जीरो मान तो तो लो तो जीरो पॉइंट क्या आएगा वन आ जाएगा हमने जीरो के पास वैल्यू मानी लेकिन इतनी भी नहीं होती वो जीरो पॉइंट जीरो 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 हमने मान ली कि जीरो पॉइंट वन ही है जीरो से तो छोटी है

तो फलन का मान हम कहां से लेंगे यहीं से लेंगे भी भी यहीं से मिलेगा, भी यहीं से से मिलेगा मिलेगा जब हम जीरो पर चेक कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें फलन कहां परिभाषा बदल ध्यान में रखना है और हम कहां पर चेक कर रहे हैं हम जीरो पर चेक कर रहे हैं तो जीरो से छोटी वैल्यू भी यहीं से मिलेगी जीरो से बड़ी वैल्यू भी यहीं से मिलेगी क्योंकि जीरो से बड़ी वैल्यू मतलब जीरो पॉइंट समथिंग जीरो 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 से बड़ी वैल्यू मतलब नहीं कि पचास साठ या सौ सा ले लो नहीं हमेशा जीरो के एकदम पास में ही है और वन से अभी भी छोटी है तो वन से छोटी है मतलब कि फलन का मान एक्स तो बस यहीं पर रख दो बस तो यही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बतानी थी तो यहां पर फलन की जगह हम क्या रख देंगे एक्स की जगह जीरो प्लस एच तो लिमिट एच टेंस टू जीरो oh, की जगह हम यहां पर क्या करेंगे सीधे जीरो प्लस एच रख देंगे तो ये हो गया जीरो प्लस एच एच की जगह जीरो रख दो तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरोल बराबर है आर एच एल के सिंपल हमें दिख रहा है यहां पर सर ये भी जीरो आ गया ये भी जीरो आ गया जीरो जीरो आ गया एल एच एल बराबर है आर एच एल के एल एच एल बराबर आ जाए आरएचएल के तो यहीं पे नहीं छोड़ देना जब ये दोनों बराबर आ जाए तो हमने पहले लाइन में जो पहली चीज बताई थी कि जब ये बराबर हो तो उस बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं उस बिंदु पर किस बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं सर अभी हम जीरो पे चेक कर रहे हैं तो एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान और निकाल दो तो एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान कहां रखोगे एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान यहीं से मिलेगा क्योंकि तो इक्वल टू वन की बात हो रही सीधे वहीं से मान लेगा कोई दिक्कत की बात नहीं जीरो इक्वल टू या जो हमारे पास छोड़ने की बात है तो एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान क्या होगा एक्स बराबर जीरो पर भी फलन का मान क्या होगा जीरो होगा तो हम यहां से लिख सकते हैं इधर लिख देते हैं कि एल एच एल बराबर है आर एच एल के बराबर है एफ ऑफ ए मतलब उस बिंदु के अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है क्योंकि जी, एक्स जीरो भी होगा वो भी हमारे पास वन से छोटी वैल्यू पे आएगा तो इसलिए वहीं पे डायरेक्टली तो तो मतलब तो वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर जीरो दे देगा सीधे हमारे पास एल एच एल आर एच एल के बराबर उस बिंदु के मलन ठीक तो ये हो गई एक्स बराबर जीरो पर ऐसे ही हम निकालेंगे एक्स बराबर टू पे निकाल देते हैं वो भी एक्स बराबर टू पे भी निकालना है ना यही तो लिखा है सेम वैसे ही चलते हैं कोई दिक्कत नहीं लिमिट एल एच एल निकाल लें लिमिट एक्स टेंस टू टू है तो टू माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स को एच में बदला एच टेंस टू जीरो फिर आ जाओ लिमिट एच टेंस टू जीरो अब ध्यान से टू माइनस एच दो से छोटा कितना छोटा एच की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा टू माइनस एच एच कितना है

लेकिन 1.9 1 से बड़ा है और 2.1 पॉइंट करो उधर चाहे 2 पे हम खड़े हैं 2 से हम थोड़ा कम करें तो हम 1.9 पर आ गए 2 से थोड़ा सा ज्यादा करें तो 2.1 पर आ गए दोनों वैल्यू कहां पर मिलेंगी x बराबर ग्रेटर देन 1 के लिए मतलब यही 5 एल भी यही 5 से मिलेगा आर भी यहीं 5 से मिलेगा बस ये बात दिमाग में रखनी है निकाल लेते हैं एल एच अब x बराबर ये 2 h कहां रखेंगे इस 5 की जगह अरे फाइव में रखोगे तो लेकिन फाइव के आगे कुछ एक्स होना चाहिए ना एक्स की जगह हम रखते हैं टू माइनस एच यहाँ पर तो केवल फाइव है तो फाइव है तो केवल फाइव लिख दो हमारे तो सी पास क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा इसी प्रकार हम आर एच एल निकाल देते हैं। अरे जब होगा यहां पर h तभी तो लिमिट रखोगे है ही नहीं यहाँ पर तो सीधे 5 आ गया कोई दिक्कत नहीं कांस्टेंट फलन है लिमिट x टेंस टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो दिक्कत नहीं अब क्या करना है टू प्लस एच के लिए भी हमें यही केस मिलेगा क्योंकि वन से बड़ा है तो टू से भी बड़ा है सीधी सी बात वन से बड़ा 2 टू से बड़ा तो सीधे फाइव हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो सीधे हो गया फाइव यहां पे कहीं है ही नहीं तो केवल फाइव हो गया LHL बराबर है के और उस बिंदु पर फलन का मान निकाल ले। अगर F of 2 निकालोगे अरे करेंगे वन से बड़ी वैल्यू के लिए फलन का मान ही है और टू जो है वो वन से बड़ा ही है ना टू जो है वो वन से तो बड़ा ही है तो टू अगर वन से बड़ा है तो सीधे फाइव ही होगा ये तो यहाँ से हम कह सकते हैं एल एच एल बराबर है आर एच एल के बराबर है एफ ऑफ ए के अतः कह सकते हैं कि एल एच और एफ ऑफ ए मतलब उस बिंदु पर फलन का मान बराबर है अतः x बराबर दो पर फलन संतत है क्वेश्चन बहुत आसान है बस फिक्स पैटर्न है एक बार इनका पैटर्न पहचान लो तो क्वेश्चन आप डेफिनेटली सही करके आओगे एकदम सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी ऐसा नहीं है अब आ गया होगा दिमाग में समझ में आ रहा है सभी को अच्छा कुछ भी ऐसा तो नहीं चल रहा है कि एकदम हवा में चल रहा है कि सर पता नहीं क्या ही लेन ले चल, चल, वन माइनस वन प्लस क्या लिखते चले जा रहे हैं सब चल रहा है ना सब दिमाग में जा रहा है रिकॉर्ड हो गया होगा जो रिवॉल्व हो गया होगा जो हमारे पास पीछे हम लोगों ने पढ़ा है वो सब चीज समझ में आ रही होंगी ठीक है क्लियर है आ तक कोई डाउट तो नहीं आता देख लो एक बार भाई कोई समस्या हो भाई इसी प्रकार से करने हैं सारे क्वेश्चन आप थोड़ा लेवल बढ़ेगा अभी तो हो होगा ये बेसिक थोड़ा सा बेसिकी है ज्यादा कुछ नहीं है ये तो वन पे पता था इसलिए चेक कर लिया जीरो टू पे हमें नहीं दिया गया था लेकिन फिर भी हमने चेक कर लिया पता था कैसे पता करना है वो हमने पता कर लिया जीरो से छोटी या बड़ी वैल्यू की बात होगी तो यहीं से मिलेगी टू से बड़ी या छोटी वैल्यू की बात होगी तो यहीं से मिलेगा वो हमने सब समझ लिया ठीक अब चलते हैं थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पर कुछ मजेदार और कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसमें और क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो कि लॉन्ग में बनते हैं जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा मॉड का केस मॉड के केस का क्वेश्चन जो होता है वो लॉन्ग में बनता है क्योंकि मापांग फलन जो होता है मॉड मतलब मापांग फलन मापांग फलन के बारे में याद है मापांग फलन खुद दो हिस्सों में टूटता है कैसे ये तो याद होगा ना भूल गए क्या चलो अच्छा थोड़ा सा मापांग फलन की परिभाषा क्या थी ग्राफ तो याद होगा ये कुछ वी सेफ का ग्राफ बनाते थे मापांग फलन का ग्राफ होता था सर मापांग फलन की परिभाषा ये थी एफ एक्स बराबर मॉड एक्स x x दो रूप में तो था, एक एक x less than 0, एक भी भी लगा सकते यहां भी लगा सकते सकते हो, हो, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं x लेस देन जीरो के लिए फलन का मान होता था माइनस एक्स एक्स ग्रेटर का मान होता था प्लस एक्स मतलब एक्स से छोटी वैल्यू, जीरो से छोटी वैल्यू है तो मोड एक्सेटिव एक्स अगर एक्स से बड़ी वैल्यू है जीरो से बड़ी वैल्यू है तो हमारे पास प्लस एक्स देता है ये बात हमें पता है ठीक यही बात होती है कोई दिक्कत नहीं एक्स सीधे यहाँ पे जो लिखा है एक बार माइनस के साथ ले लो एक बार प्लस के साथ ले लो इसको इक्वल टू तो जीरो कर लो एक बार लेस देन लगा दे तो एक बार ग्रेटर देन लगा लो बस यही फलन की परिभाषा है ये मापांग फलन की परिभाषा है इसमें एक केस ये भी बन सकता है कि कभी कभी हमें फलन में दे देगा मान लो दे दिया एक्स माइनस का टू इसको कैसे तोड़ेंगे तो कुछ नहीं करना है आप वही दो केस होंगे कौन से एक तो इसको माइनस के साथ लिख लो

यही छोटी सी हमारे पास ही से काम हो जाएगा हम लोगों का उसी के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है हमें असंतत बिंदु बताने हैं लेकिन इसमें एक चीज और भी है देखो अभी तक हमारे पास क्या था सिंपल दो जगह फलन टूट रहा था मतलब एक ही बिंदु पे टूट रहा था वन वन पे टूटा था ये भी वन वन पे टूटा था मतलब दोनों क्वेश्चन एक प्रकार से वन वन पे टूटते थे हमने जीरो पर भी चेक किया टू पे भी चेक किया यहां पर देखो तो फलन दो जगह टूट रहा है एक बार माइनस थ्री पे टूट रहा है एक बार थ्री पे टूट रहा है फलन अपनी परिभाषा दो जगह बदल रहा है टूटेगा मतलब अलग -अलग फलन उस बिंदु पर आप एल एच एल आर एच एल और उस बिंदु पर फलन का मान निकालोगे ही ये बात लो माइनस थ्री है तो माइनस थ्री पर भी निकलेगा प्लस थ्री है तो प्लस थ्री पर भी एल एच एल आर एच एल निकलेगा

माइनस एक्स रखेंगे क्योंकि सर यहां पर डायरेक्टली उसने दे दिया कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो माइनस थ्री है, है लेस देन है, है, है वो निगेटिव का तो दोबारा से लिख देते हैं निगेटिव के साथ में एफ ऑफ एक्स बराबर हमें दिया है क्या दिया है? ये एक्स की जगह सीधा माइनस एक्स हो गया प्लस का थ्री जो हमारे पास क्या है एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री है बाकी दो पे कोई फर्क ही नहीं है बाकी दो से हमें कोई लेना देना नहीं वहां तो सिंपल फलन दिया गया लिख देंगे माइनस का टू एक्स है सिक्स एक्स प्लस का टू है बाकी ले दोनों का हमसे कोई लेना देना नहीं है जहां पे मॉड था उस मॉड को प्लस एक्स को हमने माइनस एक्स लिखा क्योंकि एक्स की वैल्यू जो थी माइनस तीन से छोटी थी निगेटिव की वैल्यू के लिए निगेटिव का यस आता है इस वजह से हमने निगेटिव का यस वहां पर ले लिया अब चलते हैं एल की बात करेंगे अच्छा एक चीज और गौर करने की है जब आप एल एल निकाल लोगे तो एक माइनस थ्री से छोटी वैल्यू के लिए निकालोगे एल एच एल मतलब कि माइनस थ्री पर हम निकालेंगे पहले हम किस पे निकालेंगे एक्स बराबर माइनस थ्री पर एल एच एल निकालेंगे ठीक माइन थ्री पर क्यों निकालेंगे क्योंकि माइनस थ्री पर परिभाषा अपनी रही है दिख रहा है माइनस थ्री से छोटी के लिए अलग है और माइनस थ्री से थ्री के बीच में कुछ वैल्यू अलग है मतलब माइनस थ्री कहीं ना कहीं रहा है थ्री की जब बात करेंगे तो एक माइनस थ्री से छोटी के लिए निकालेंगे थ्री से बड़ी माइनस थ्री के लिए से, तीन से है तो क्या लेना देना? हमें तो तो के के हम इन्हीं दो से मतलब रहेगा इससे कोई लेना देना रहेगा क्योंकि ये तो तीन से बड़ी वैल्यू के लिए बात कर रहा है हमें तो केवल इन्हीं दोनों से मतलब रहेगा क्योंकि माइनस तीन पे हमें चेक करना है तो माइनस तीन से छोटी वैल्यू के लिए ये और माइनस तीन से बड़ी वैल्यू के लिए ये मिल जाएगा फलन का मान इससे कोई लेना देना नहीं तो एल एच एल के जब एल एच एल आर एच एल निकालेंगे माइनस थ्री पर तो इन दोनों से मतलब रहेगा ऐसे ही जब हम थ्री पर चेक करेंगे अच्छा एक चीज और देख लो जब हम थ्री पर चेक करेंगे तो थ्री पर जब चेक करोगे तो थ्री से छोटी वैल्यू के लिए फलन कमान माइनस टू एक्स और थ्री से बड़ी वैल्यू के लिए सिक्स प्लस टू है तो इन दोनों से मतलब रहेगा जब हम थ्री पर चेक कर रहे होंगे इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं बस इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा माइनस थ्री पर देखते हैं कैसे हो रहा है सेम वैसे ही चलेंगे जैसे अभी तक चल रहे एक्स बराबर माइनस थ्री पर लिख रहे हैं एल एच एल लिमिट एच एच टेंस टू थ्री माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री है तो भाई माइनस थ्री लिखना पड़ेगा जो है वो लिख दो कोई दिक्कत की बात नहीं माइनस थ्री ऊपर माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस थ्री माइनस का एच

प्लस का थ्री ठीक एच की लिमिट रख दो तो माइनस का एल एच एल हमारे पास आ गया छह के बराबर ठीक वैसे ही किया सेम पैटर्न है कोई दिक्कत नहीं एल एच एल थ्री माइनस माइनस थ्री माइनस एच देखा तीन से छोटी वैल्यू यहां पर एक्स की जगह हमने माइनस थ्री माइनस एच रख दिया लिमिट रख दी छी आल एच एल पर आ जाओ आ प्लस एफ साथ साथ लिखते चलो और अब वैसे भी दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन कर चुके हैं पता हो गया कैसे करना है तो बस साथ साथ लिखते चलो प्रैक्टिस होती रहेगी साथ, साथ ठीक है करते रहो लंबा होने वाला है लेक्चर बैठो रहो शांति से आराम से पूरा हो जाएगा वैसे भी दो पार्ट में कर लिया इतना लंबा भी नहीं होगा कि आराम से आपको दिक्कत भी ना हो कोई दिक्कत नहीं होगी दो तो घंटे में हम लोग फिनिश कर लेंगे अपना एक पार्ट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस थ्री है भाई 3 पर चेक कर रहे हो ना थ्री पे नहीं चेक कर रहे भाई अभी तो माइनस थ्री पे चेक कर रहे हैं यहाँ पे लिख लिया करेंगे यहां पर भी देखो माइनस थ्री है ना तो माइनस थ्री प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस थ्री प्लस का एच थ्री प्लस एच मतलब माइनस थ्री में कुछ जोड़ना है माइनस थ्री से कुछ बड़ी वैल्यू तो माइनस थ्री से कुछ बड़ी वैल्यू कहां मिलेगी मिल जाएगी क्योंकि हमें पता है कि माइनस थ्री से बड़ा और तीन से छोटा है. से से तो है तो माइनस टू एक्स है एक्स की जगह क्या रख दोगे माइनस थ्री प्लस एच रख दो लिमिट माइनस थ्री प्लस एच रखो माइनस टू माइनस थ्री प्लस का एच एच की जगह जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का छ लिख देते हैं पाइलस टू माइनस थ्री प्लस जीरो तीन दूना छ तो प्लस का आ गया छल एलएचएल आरएचएल के बराबर निकल आया है कहां पर यहां से हमें दिख रहा है कि एक्स बराबर यहां पर भी छ है वहां पर भी छ है एलएचएल भी छ है आरएचएल भी छ है अब हम उस बिंदु पर फलन का मान भी निकाल लेते हैं कहां पर निकालना एक्स बराबर पे तो माइनस तीन बराबर यहाँ पे मिलेगा कोई दिक्कत नहीं यहीं पे रखेंगे अब यहां पर माइनस तीन वैसे भी रखोगे तो देखोगे माइनस तीन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस तीन मतलब छह ही आने वाला है तो यहां से हम कह सकते हैं एल एच एल बराबर है आर एच एल के बराबर है उस बिंदु पर फलन के मान के अतः एक्स बराबर माइनस तीन पर फलन संतत, है। ठीक कोई दिक्कत नहीं अरे माइनस तीन यहां पर रखोगे ना यहाँ पर उस बिंदु पर फलन का मान भी निकाल दे अच्छा f ऑफ माइनस तीन अगर निकालोगे x की जगह माइनस तीन रखो ये माइनस पहले से लगा है तो माइनस और माइनस तीन और प्लस तीन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तीन प्लस तीन मतलब कि छह तो f ऑफ -3 भी 6 के बराबर है lhl भी 6 के बराबर है rhl भी 6 के बराबर है तो x minus -3 पर फलन हमारे पास क्या हो गया सतत हो गया यहां से हम देख सकते हैं ध्यान से देख लो कोई डाउट कोई समस्या हो सामने लिखा है कोई समस्या नहीं यहां तक बात क्लियर है ना ठीक चले आगे ये हो गया हमारे पास इसका पहला पार्ट जिसमें हमें चेक करना था पे 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 इसी पे, पे। इसी प्रकार पे चेक किया आप तीन पे चेक कर दे तीन के लिए यही दो केस रहेंगे क्योंकि से छोटी वैल्यू के लिए ये से बड़ी वैल्यू के, तो मतलब के लिए था एक्स बराबर तीन पर, पर फलन मान निकालते थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं अब तो आ गया कोई दिक्कत नहीं लिखते लिमिट एक्स टे थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो चल लिख रहे है एफ ऑफ थ्री माइनस एच ठीक थ्री माइनस एक्स मतलब तीन से छोटी वैल्यू तीन से छोटी वैल्यू यहां से मिलेगी माइनस टू एक्स से रख देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू एक्स की जगह रख दो थ्री माइनस एच ठीक एच की जगह जीरो रख दो माइनस टू थ्री माइनस जीरो तो, तो कितना आ गया माइनस का छ एल एच एल हमारे पास क्या आ गया माइनस छिमिट एक्स टू थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टू एफ ऑफ थ्री प्लस एच क्लियर प्लस एच कहां पे मिलेगा तीन से बड़ी वैल्यू के लिए सिक्स एक्स प्लस टू मान तीन से बड़ी के लिए ये है तीन से छोटी वैल्यू के लिए माइनस टू एक्स था जीरो प्लस एच यहाँ पे रख दो लिमिट H 0, कहां पे X की पे की की जगह जगह तो तो प्लस का 2, तीछा का 18, प्लस प्लस रख रख दो दो और का 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 दिख नहीं है, है बिंदु क्या निकाले जब एल एच एल ही LHL के बराबर नहीं है तो हम उस बिंदु पर क्या ही निकाले जाके अतः एक्स बराबर तीन पर फलन असतत उस बिंदु पर तो तब तो निकालेंगे तो यार, तीन यार रख लेते, तो कितना छैत्रिक अठारह और प्लस दो अठारह दो बीस आ रहा है दिख भी रहा है कि छह और बीस आ रहा है माइनस छह बीस नहीं है यार असतत होगा तो एक्स बराबर तीन पर क्या है फलन असतत है डायरेक्टली हमें दिख रहा है बाकी हमें करना है सही है लॉग में बना हुआ क्वेश्चन है सात नंबर में आया हुआ क्वेश्चन के बारे में कि ये ऐसा होता है, तो यहाँ पे हम माइनस एक्स रख देंगे क्योंकि माइनस तीन लिखा है जीरो से छोटी वैल्यू के लिए माइनस की वैल्यू देता है माइनस तीन जीरो से वैसे भी छोटा है तो माइनस तीन हो जाएगा सीधी बात है बाकी वैसे ही एल एच एल आर एच एल निकालना है कोई उसमें कोई

फलन परिभाषित है तो लेमडा के किस मान के लिए एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है हमें बताना है कि एक्स बराबर जीरो पर लेमडा का किस मान लेमडा का क्या मान होना चाहिए जिससे ये फलन हमारे पास संतत हो जाए हमें तो वही काम करना पड़ेगा एल एच एल आर एचल निकालनी पड़ेगी एल एच एल आर एचल में अगर लेमडा का कोई मान हमें मिल गया तो हम बता देंगे कि लेमडा के इस मान के लिए संतत है अगर लेमडा के मान पर निर्भर करेगा देख लेते चेक करेंगे वैसे ही चलेंगे फिर वन पे तो बाद में बात करेंगे पहले तो जीरो पे बात कर लेते हैं जीरो पर फलन टूट भी रहा है दिख भी रहा है कि जीरो पर फलन अपनी परिभाषा भी बदल रहा है इसकी बात कर लेते हैं वन का तो हम समझ लेंगे बाद में चलो करते हैं स्टार्ट करते हैं जीरो पर एल एच एल सेम चीज सेम पैटर्न लिमिट एक्स टेस्ट टू जीरो पे चेक कर रहे हैं जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स सेम पैटर्न लिमिट जीरो को एच में बदला एच लिमिट हमारे पास क्या है जीरो जीरो माइनस एच जीरो से छोटी वैल्यू जीरो से छोटा मान जीरो से छोटा यहां से मिल जाएगा जीरो से जब बड़ा मान आएगा एल एच एल यहां से मिल जाएगा जीरो से छोटा मान रखते जहां पे फलन में एक्स है वहां पर जीरो माइनस एच रख दो बाकी सेम वैसे ही रहने दो लिमिट एच टेंस टू जीरो की जगह पर आप जीरो माइनस एच रख दो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर टू एक्स माइनस टू जीरो माइनस एच फिर से रख दो कोई दिक्कत नहीं हाँ बस हो गया ये x की जीरो माइनस एच ये एच की वैल्यू रख, रख दो सीधे तब थोड़ा आसान लगेगा देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा h की जगह जीरो रखा तो ये होगा जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस जीरो जीरो माइनस जीरो ठीक ये भी जीरो हो गया ये भी जीरो हो, हो गया मतलब कि जीरो आ गया

प्लस यही इंडिकेट कर रहा है कि हम जीरो से थोड़ा आगे जा रहे हैं माइनस यही इंडिकेट करता है कि जीरो से थोड़ा सा पहले है बस और कुछ नहीं है लिमिट एच टू जीरो प्लस एच रखो जीरो प्लस एच कहां रखेंगे जीरो प्लस एच मतलब जीरो से थोड़ा बड़ी वैल्यू के लिए जीरो से बड़ी वैल्यू ये है यहां पर जीरो प्लस एच रख दो लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पर एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखो फोर जीरो प्लस एच और प्लस का वन जैसे जीरो रखोगे यहां पर क्या हो जाएगा फोर यहां पे फोर जीरो प्लस जीरो और प्लस का वन ये तो पूरा जीरो हो जाएगा इक्वल टू क्या फोर आर एच एल हमारे पास फोर आ रहा है लेमडा का कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर लेमडा का कोई मान हमें मिल ही नहीं रहा है एल एच एल आर एच एल के बराबर ही नहीं है यहां, पे जीरो है, यहां पर जीरो पर फोर है यही लिखो ना सीधे पहले तो एल एच एल आरएचएल के बराबर ही नहीं है इसलिए तो पूछा था लेमडा के किस मान के लिए पहली बात तो एल एच एल बराबर नहीं कोई पर निर्भर ही नहीं कर रहा पर निर्भर करने का मतलब क्या है? कि पर बराबर नहीं है हम लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर फलन असतत है क्योंकि एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है असतत है अतः लेमडा के किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए कोई भी मान ले लो मान के लिए x बराबर जीरो पर फलन सतत नहीं है पर फलन सतत नहीं है इसने यही तो पूछा था कि x बराबर जीरो पर लेमडा के किस मान के लिए x बराबर जीरो पर यह सतत है जीरो पर पहली बात तो फलन सतत ही नहीं और का का कोई मान मान ही नहीं से निकल रहा है तो किसी भी के लिए बराबर ले पर फलन सतत नहीं है बस सीधी सी बात इतनी बात लिख ली और कुछ नहीं करना है ये हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि एल एच एल निकाला एल निकाला लेमडा का कोई मतलब नहीं है लेमडा कुछ दिख नहीं रहा हमें तो असतत है सीधे ऐसे ही वन पर और चेक कर लेते हैं वन पर तो केवल सातता असतता के विचार करनी है कर लेंगे वन पर अच्छा वन केस में क्या है इसको हटाओ अच्छा वन के केस में जब वन माइनस लगाएंगे सी तो भाषा बदल रहा था जीरो, पे। जब जीरो की बात आई थी तो दोनों केस यहीं से मिल गए थे चल, चल। जब पे बात आई थी तो दोनों केस यहाँ पे ही मिल गए थे ऐसे ही सेम यहाँ पर बात करनी है अगर यहाँ पर देखो तो हमें बात करनी है वन पर वन से जब वन माइनस लिखेंगे एल तो वन से थोड़ा सा छोटी वैल्यू One से थोड़ा ही तो छोटा होगा एच का मान तो जीरो आर एच एल तो अपने आप मिलेगा क्योंकि जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए यहीं पर आर एच एल तो मिलेगा ही और वन से छोटी वैल्यू के लिए भी यही से मिलेगा क्योंकि छोटी वन से छोटी वैल्यू मतलब ये नहीं कि निगेटिव में चले जाएंगे क्योंकि एच जो होता है वो जीरो पॉइंट वन पॉइंट में कुछ होता है

एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो पे रखेंगे minus h? यहीं पे रखेंगे क्योंकि से छोटी जो वैल्यू होगी वो एक्स ग्रेटर देन जीरो जीरो से तो बड़ी होगी तो फोर एक्स प्लस वन में रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो 4 x की जगह रख दो 1 माइनस h और प्लस का 1 h की जगह 0 रख दो तो 4 स जीरो अच्छा ये वन है वन ही तो है हाँ प्लस वन ये फोर प्लस वन मतलब कि फाइव आ जाएगी एल एच एल तो फाइव आ गया आर एच एल देख लो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच पे रखोगे यहीं पे रखेंगे H, X की जगह ही रखेंगे क्योंकि जीरो से बड़ा है वन से तो बड़ा ही है। तो लिमिट फोर एक्स की जगह एच और प्लस का जगह जीरो प्लस वन फोर प्लस वन मतलब की फाइव अरे आना ही था एल एच एल आर ए चल के बराबर है एल एच एल आर बराबर आना ही था यार जहां पर फलन टूटता है केवल उसी जगह वो असतत हो सकता है

इनटू वन प्लस वन मतलब कि फाइव एलएचएल बराबर है आरएचएल के बराबर है एफ ऑफ ए उस बिंदु पर फलन के मान के अतः x बराबर वन पर हमें संततता की जांच करनी थी केवल वन पर इसके संततता पर विचार करो फलन सतत है फलन संतत है कोई दिक्कत नहीं x बराबर वन पर फलन संतत है देख लो भाई कोई समस्या लग रही हो कोई डाउट लग रहा हो किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बता सकते हो सारी चीजें क्लियर है सब टाइप में सेम टाइप का पैटर्न है क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं चल रहा है नया कुछ भी नहीं है। सब उसी टाइप से है क्वेश्चन कहां पे घुमा सकता है उस टाइप के मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा मॉड का एक करा दिया कभी लेमडा पे घुमाएगा यहाँ लेमडा ना लिख के ए भी कुछ अल्फाबीटा कुछ भी एक रख देगा फिर पूछ देगा तो आपको करना ऐसे ही सेम पैटर्न पर ठीक इसी में एक क्वेश्चन और हम करते हैं एक क्वेश्चन महत्म पूर्णांक और लेते हैं बढ़िया क्वेश्चन है 19वां नंबर ये तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें हम थोड़ा सा पहले महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा बेसिक में जान लेते हैं कि होता क्या है महत्तम पूर्णांक फलन उसके बाद बात करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन की अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन महत्तम पूर्णांक फलन इंग्लिश में बोलते हैं जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक है इसको कहीं कहीं बॉक्स ऑफ एक्स भी बोल देते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स होता है बॉक्स ऑफ एक्स होता क्या है मतलब कि इसके आउटपुट में कौन सा मान आता है यह हमेशा एक पूर्णांक वैल्यू देता है सीधी सी बात एक ये समझ लो हमेशा हमें कैसे मान मिलेंगे इसके आउटपुट में जैसे एक्स को हम खोल रहे थे को, तो, तो माइनस एक्स देता था, तो था। तो हमेशा वैल्यू देगा जीरो माइनस वन माइनस टू डैश ऐसे पूर्णांक मान हमें मिलते जाएंगे बेसिक सी बात बताएं तो एक चीज हम लोग देख लेते हैं पहले कि अगर जैसे टू पॉइंट सेवन लिखा है बॉक्स ऑफ के अंदर कि बॉक्स ऑफ टू पॉइंट सेवन

Two, three, four. Minus one, minus two, minus three, ऐसे चलेगी। कोई भी लो, जैसे कि जीरो पॉइंट सेवन यहां, पर कहीं मिलेगा? ठीक, यहां इससे पहले पूर्णांक कौन सा है? जीरो तो जीरो आ गया सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स नाइन कहा मिलेगा यही सिक्स होगा कहीं सिक्स केवन को टू पॉइंट सेवन देखो अगर तो टू पॉइंट सेवन कहा मिलेगा यहाँ पर कही? इससे जस्ट पहले पूर्णांक टू ऐसे 6.9 होगा उससे जस्ट पहले कौन मिलेगा 6 माइनस का तीन दशमलव चार माइनस का तीन दशमलव चार कहां मिलेगा यहां कहीं इससे जस्ट पहले हमेशा बाई और पहले की वो बात करते हैं हमेशा बाई और चलना है इसमें संख्या रेखा में बाई और तो इससे बाई और ये इससे बाई और ये इससे बाई और माइनस चार तो हमें सम्मान क्या मिलेगा माइनस का चार और जो पूर्णांक मान है जैसे केवल तीन है तो तीन ही आ जाएगा जीरो है तो जीरो आ जाएगा चार है तो चार आ जाएगा माइनस का तीन है माइनस तीन आएगा पूर्णांक वैल्यू पे पूर्णांक मान ही वही वापस कर देता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है इसको लिख देते हैं अब अब जैसे जीरो कहां पर मिलता है जब ये हमारे पास जीरो और एक के बीच होता है वन कहां मिलता है जब ये वन और दो के बीच में होता है दो कहां मिलता है जब ये दो और तीन के बीच में होता है माइनस वन कहा मिलता है माइनस वन हमेशा मिलता है जब ये बीच में होता है माइनस वन से जीरो के बीच में ठीक ये हमें कहा मिलता है माइनस टू ये होता है माइनस टू पे

मैतम पूर्णांक फलन x ये हमें दिया गया जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दिया गया है x माइनस मैतम पूर्णांक फलन x ये हमें दिया गया इसको तोड़ते हैं सीधा ब्रेक करते हैं जैसे वो टूटा था हमारे पास जब इसको तोड़ा था ऐसे x माइनस मापांक को तोड़ना है तो पहले तो यही लिख लो x माइनस x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस ये हमने लिख लिया मान लो डेड डेड डेस पूरा ब्रेक आगे तक खुलेगा अभी हमने एक्स लिख दिया अब ये क्या लिखा है हमारे पास क्या लिखा हुआ है ये हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन x लिखा हुआ है मतलब जब हमारे पास वैल्यू अगर हम बात करें जब ये वैल्यू हमारे पास जीरो से देखते हैं एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में तो हमारे पास क्या आएगा सीधी बात है पहले हम इनको तोड़ लेते हैं ये हमारे पास वन से इसी के सामने लिखते हैं जब हमारे पास ये वन से टू के बीच में ऐसे ही हमारे पास माइनस वन से जीरो के बीच में या ऐसे ही हमारे पास ये माइनस टू से माइनस वन के बीच में ठीक तो यहां पर क्या आएगा जब छोटी वैल्यू है तो माइनस एक्स आएगा सिंपल सी बात है तो यहां पर क्या दे देंगे माइनस का एक्स ठीक माइनस एक्स क्या हमेशा माइनस की जब हमारे पास माइनस टू से हम सीधे ही नहीं दिखते ना कि मापांक के अंदर अगर हमने माइनस टू से माइनस वन के बीच में रखा तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का टू जब हमने यहाँ पर माइनस वन से जीरो के बीच में कोई रखा तो हमारे पास क्या आएगा हमेशा वन जब यहाँ से जीरो से वन के बीच में रखा तो मान क्या आएगा हमेशा जीरो आएगा जब यहाँ से वन से टू के बीच में रखा तो हमारे पास मान क्या आएगा वन आएगा तो बस यही लिख देते हैं इसी को खोल देते हैं सीधे हमारे पास हो जाएगा मापांग फलन बॉक्स ऑफ एक्स तो ये हमारे पास क्या हो गए इसको खोल देते हैं हम लिख देते हैं जो भी आया एक्स माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस वन ये हो जाएगा एक्स माइनस बचेगा ये क्या बचेगा ये x बचेगा ये क्या बचेगा ये बचेगा, ये बचेगा x माइनस का वन ठीक चार जगह हमने खोल दिया बाकी डेड डेड आगे तक तक पूरा अनंत खुल सकता है क्योंकि पूर्णांक मान कुछ भी ले सकते हैं हमने अब ये यहां से कहां पे है ये x की वैल्यू जब जीरो से एक के बीच में ये x की वैल्यू कहां पे है जब x की वैल्यू हमारे पास ये हमारे पास जीरो के एक के बीच में है ये x की वैल्यू हमारे पास जीरो से एक के बीच में ये कहां पर है ये एक्स की वैल्यू जो हमारे पास माइनस वन से जीरो के बीच में जब एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस टू से माइनस वन के बीच में जब एक्स की वैल्यू हमारे पास वन से टू के बीच में ये हमने इसको क्या कर दिया ब्रेक कर दिया ऐसे डेड डेड डे आगे तक ब्रेक हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं कुछ हमने कुछ पूर्णांक मानों पर इसको ब्रेक कर लिया तोड़ लिया क्योंकि क्वेश्चन में इसमें क्या कहा था क्वेश्चन पढ़ो इसने कहा था कि ये फलन दिया गया इस फलन को हमने पहले अभी तोड़ के लिखा है जैसे हम क्या करते थे मापांग फलन x दिया जाता था इसको पहले हम तोड़ लेते थे कि माइनस एक्स होता है x होता है x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे और ये होता है लेस देन इक्वल टू जीरो पे ये पहले हम तोड़ लेते थे कि यहाँ पर पे पे हमारे पास क्या होता था? एक्स होता और देन जीरो पे प्लस का एक्स देता था और तो थे थे। पर की परिभाषा में पता है ये पुड़ांग मान देते, तो इसकी जगह हमने सारे वो पूर्णांक मान लिख दिए जीरो कैसे आया क्योंकि जीरो से वन के बीच में कोई भी मान रखोगे जीरो आएगा माइनस वन से जीरो के बीच में कोई भी मान रखोगे माइनस वन आएगा टू से टूट टू टू इस गया इसने कहा कि परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है यह हमें दिखाना है तो किसी एक बिंदु पर हम दिखा देंगे मान लो एक्स बराबर जीरो पर दिखा देते आप माइनस वन पर दिखा दो माइनस टू पर दिखा दो किसी एक बिंदु पर इसे असतत दिखा देते हैं

एल एच एल एल एच एल लिखा रहे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स वही काम इसको फिर क्या है एच में? में बदलेंगे एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच ठीक अब यहां पर क्या करना है जीरो माइनस एच मतलब कि जीरो से छोटी वैल्यू तो जीरो से छोटी वैल्यू कहां का मान जीरो से छोटा है तो फलन का मान क्या एक्स प्लस वन इसमें एक्स की जगह क्या रख दो जीरो माइनस एच रख देते लिमिट एच टेंस टू जीरो फलन का मान हमारे पास क्या है एक्स प्लस जीरो एक्स प्लस वन तो जीरो माइनस एच और प्लस का वन एच की जगह जीरो रखोगे तो लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी सीधे जीरो माइनस जीरो और प्लस का वन मतलब कि बाई सीमा हमारे पास, तो पास वन के बराबर निकल आया आर एच एल और निकाल लेते हैं आर एच एल लिखते हैं बाई सीमा, सीमा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स काम वही सेम करना है सभी में लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो से बड़ी वैल्यू तो मतलब, मतलब यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच रखेंगे सीधा एक्स की जगह तो रख दिया जीरो प्लस एच जीरो रख दो सीधा जीरो प्लस जीरो मतलब कि आगे जीरो से हम देख सकते हैं कि एल एच एल जो है डज नॉट इक्वल टू है आर क्योंकि एल हमारे पास कितनी आई थी सर एल हमारे पास वन आई थी एल एच आई थी आर हमारे पास जीरो आ रहा है एल एच के बराबर नहीं है अतः यह फलन सभी x बराबर जीरो पर अस असतत है क्या है असतत है इसी प्रकार पूरी बात लिख देंगे इसी प्रकार अन्य सभी पूर्णांक मानों पर अन्य सभी मानों पर असतत होगी क्लियर कुछ नहीं करना था बस महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा में आपको यहां पर समझानी थी

सॉल्व करना मुश्किल होगा थोड़ा ठीक है तो ये ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है इसको दिमाग में डाल लो बाकी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया हम लोगों का उन्नीसवा क्वेश्चन चलते हैं एक और दो क्वेश्चन लेंगे अभी दो क्वेश्चन कम से कम और इस पर करेंगे अच्छे क्वेश्चन सारे मैंने इस इसे लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो फर्जी क्वेश्चन लिया है अगर ये जो क्वेश्चन आज लिए हैं मैंने ये सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हो खुद से अपने मन से लगा लेते हो तो आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे डेफिनेटली कर दोगे हंड्रेड परसेंट कर दोगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन अगर देखो इसको हमने किस वजह से लिया है अभी समझ में आ जाएगा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन एक हमें अरे आ... भाई ये कहां से आने लगा कोई ना इसको भी हंसने का मन हो रहा है कोई ना चौबीसवा नंबर क्वेश्चन करते हैं। चौबीसवा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है इसमें एक क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में एक खास बात है एफ एक्स हमें फलन दिया गया। इस बार लेकिन जो फलन ब्रेक हुआ है थोड़ा अलग हिसाब देन, देन इस जब जीरो, है तो फलन का मान ये। और टू जीरो पर है मतलब एक बिंदु पर अलग से दे दिया गया कि x बराबर जीरो पर फलन का मान ये और डज नॉट इक्वल टू ये अच्छा इस बात का मतलब क्या है इक्वल टू मतलब नहीं है और जीरो के बराबर नहीं है मतलब वो एक्स जीरो से छोटा भी हो सकता है वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है ऐसी तो कोई कंडीशन दी नहीं तो यहां पर दो कंडीशन हमें मिलेंगी सर यहां पर अगर हम देखें सर तो हमें यहाँ पर दो कंडीशन मिलेंगी कौन कौन सी एक तो सर हमें मिलेगी कि एक्स जीरो से छोटा है एक मिलेगी एक्स जीरो से बड़ा है दोनों कंडीशन हमें यहीं से मिल जाएगी मिल जाएगी ना क्योंकि ये तो सिर्फ जीरो के बराबर दिया गया यहाँ पर तो अनंत कंडीशन हो जाएंगी जीरो से छोटे बहुत मान हो सकते हैं जीरो से बड़े बहुत मान हो सकते हैं तो दोनों कंडीशन हमें यहीं से मिल जाएगी तो इस बात का कहने का मतलब क्या है जीरो से छोटा मतलब कि यहां से हमें क्या मिलेगा यहीं से हमें एल मिल जाएगा और यहीं से हमें आर एच एल मिल जाएगा जब जीरो से बड़ी वैल्यू होगी बस यही बात समझने की है यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू जीरो पर मतलब एफ बराबर जीरो पर फलन का मान तो डायरेक्टली जीरो दे ही रखा है कोई दिक्कत नहीं लेकिन हमें दोनों मान चाहिए एल एच एल और आर एच एल निकालने के लिए तो हमें बाई और दाई तरफ जाना पड़ेगा जीरो से छोटी मतलब एल एच एल जीरो से बड़ी मतलब आरएचएल और यही दोनों चीजें यहीं पर दे दी क्योंकि डज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं है और जीरो के बराबर नहीं होने का मतलब है वो छोटी भी हो सकती है वो बड़ी भी हो सकती है एक्स जीरो से छोटा भी हो सकता है एक्स जीरो से बड़ा भी हो सकता है

जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच ठीक कोई दिक्कत नहीं जीरो माइनस एक्स मतलब जीरो से छोटी वैल्यू जीरो से छोटी वैल्यू भी यहीं से मिलेगी इसी फलन से तो इस फलन में जहां जहां तुम्हें तो एक्स दिख रहा है वहां पर जीरो माइनस एच रख दो रख देते हैं एक्स दो जगह दिख रहा दोनों जगह रख देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स की जगह हमने रख दिया जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन जीरो पे एक बटे जीरो माइनस एच ये बन गया क्या करना पड़ेगा जीरो रख देते हैं सीधा पुट करते हैं जीरो, क्या दिक्कत है? जीरो रखेंगे यहां पर तो ये तो जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं साइन वन अपॉन जीरो माइनस जीरो ये भी जीरो हो जाएगा ठीक यही तो बचेगा हमने सीधा लिमिट रख दी एच की जगह जीरो रखा जीरो माइनस जीरो जीरो की बात हो गई यहाँ पर जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी है एक चीज बताओ कोई इसके दिमाग में तो नहीं आ रहा जीरो इंटू सीधा इन्फिनिटी हो गया साइन इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो सकती है साइन के अंदर जो लिखा है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है थोड़ा सा दिमाग लगाओ कोई आइडिया कोई समझ में आ रहा है कोई बात कि क्या हो सकती है अगर साइन के अंदर कोई वैल्यू लिखी है त्रिकोण मिति पढ़ रखी है हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है क्या होती है अगर साइन के अंदर कोई भी मान रखा है कुछ भी रखो साइन एक्स की जो वैल्यू आती है इसका जो परिसर होता है वो माइनस वन से वन होता है यक्स यहां पर कुछ भी रखो इसका प्रांत क्या होता है आर माइनस अनंत से प्लस अनंत माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कोई भी वैल्यू यहां पर रखो हमेशा वैल्यू जो हमें मिलेगी वो माइनस वन से वन के बीच मिलती है ये बात हमें पता है तो यहां पर एक छोटी सी बात लिखने की जरूरत है कि जीरो इंटू क्या होगा एक से या माइनस एक से एक तक कोई भी संख्या आ सकती है यहां पर ये यह बात समझ में आई ये लाइन क्यों लिख रहे हैं ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जामिनर को लगे कि तुम्हें पता है यहाँ पर साइन इन्फिनिटी बन गया वन अपॉइंट जीरो वन अपॉइंट जीरो हर में जीरो इन्फिनिटी मतलब साइन इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या है इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है लेकिन हमें साइन के बारे में ये पता है कि अगर हम साइन के अंदर कुछ भी एक्स की जगह कोई भी हम यहां पर वास्तविक संख्या रखते हैं

एग्जाम में लिखना इंपॉर्टेंट है अगर तुम एग्जाम में ये बात लिख के आओगे ना एग्जामिनर खुश हो जाएगा कॉपी चेक करते टाइम समझ जाएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है कोई ऊपरी ऊपर नहीं वो पढ़ के आया है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे सर साइन इंफिनिटी बन रहा था तो इसकी मान जो आएगी हमें नहीं पता क्या आएगा इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है तो माइनस वन से वन की कोई संख्या ले ली उसने जीरो से गुणा कर दिया और जीरो आ जाएगा कोई भी संख्या यहाँ पर आ सकती थी इसलिए जीरो लिखा और जीरो से गुणा होकर जीरो हो गया क्योंकि इससे गुणा जीरो ही का हो रहा था होना तो जीरो ही है लेकिन ये बात लिखना इंपॉर्टेंट है ठीक है चले आगे ये बातें इंपॉर्टेंट है इनको याद रखनी है ये हो गई एल एच एल आरएचएल आर एच एल निकालते हैं लिमिट एक्स एच टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू ऑफ जीरो प्लस एच अच्छा जीरो प्लस एच कहां से मिलेगा जीरो माइनस एच भी यहीं से मिलेगा जीरो प्लस एच भी यहीं से मिलेगा क्योंकि जीरो से बड़ी वैल्यू वो भी यहीं से मिलेगी ये तो इक्वल टू तो जीरो के लिए केवल दी गई केवल एक वैल्यू के लिए चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो दोनों वैल्यू यहीं से मिलेंगी तो यहीं पर रखेंगे जीरो प्लस एच सेम इसी प्रकार चलते हैं लिमिट वही कंडीशन बन जाएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पर भी जीरो हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा साइन ये भी हमारे पास वन अपॉइट जीरो हो जाएगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी बन जाएगा अरे लिमिट तो हटा ही देते हैं लिमिट तो रख दी ना यहां पर लिमिट हटा देते हैं यहां से लिमिट रख दी तो जीरो हो गया। यहां पर जीरो यह साइन इंफिनिटी हो गया तो जीरो इंटू साइन इंफिनिटी फिर से हम लिखेंगे जीरो माइनस वन से वन के बीच कोई संख्या पूरी बात लिख के आओगे ठीक कोई संख्या ले, ले लेंगे तो वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी एल एच एल बराबर है आर एच एल के बराबर है एफ ऑफ जीरो बिंदु पर फलन के मान के क्योंकि F of हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है वो जीरो के बराबर है दिया है ना एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर है तो यहां से एल एच एल आर एच एल के बराबर है एफ ऑफ जीरो के बराबर अतः फलन सतत है बस इस क्वेश्चन को इस वजह से लिया था कि कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप से टूट रहा था इस वजह से मैंने ले लिया था कि ताकि ये डाउट ना रहे कि सर इस प्रकार से टूटेगा फलन तो कैसे होगा बाकी कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है का का निकालने का अब तो रट गया होगा इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाले एकदम रट गया होगा दिमाग में घुस गया होगा सभी को ठीक है भाई इतना इसमें तो पढ़ा दूंगा कि आपको इस चैप्टर का जो वन शॉट जो चल रहा है ना ये वन शॉर्ट एक पार्ट हो जाएगा सेकेंड पार्ट तक आपको ऐसी तैयारी हो जाएगी कि अगर एक्चुअल में आपने मन से लिया है वन शॉर्ट पूरा देखा है लगन से बैठ और आपने पहले इसके लिए हैं कहीं ना कहीं से बेसिक थोड़ा क्लियर है तो आप आराम से सारी चीजें कर लेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक क्वेश्चन और इस पर करेंगे अभी के एक और ये, दो करते हैं क्वेश्चन और करते हैं दो क्वेश्चन खत्म करेंगे दो क्वेश्चन ये हो जाएंगे क्योंकि के का मान का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ए बी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो आए हैं वो यही दोनों है लॉन्ग में बनते हैं क्वेश्चन आसान है बेहद आसान क्वेश्चन है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि के के मानों को फलन निर्दिष्ट सतत है तब के का मान हमें बताना है ठीक अगर कोई फलन सतत है तो हमें यह बात उसके बारे में पता है कि उसका एल एच एल जो होता है वो आर एच एल के बराबर होता है और उस बिंदु पर फलन का मान भी बराबर होता है यहां जैसे पाई बट्टे दो है तो पाई बट्टे दो पर फलन का मान बराबर हो जाएगा यह बात तो हमें पता है अगर इसने कह दिया निर्दिष्ट बिंदु पर फलन निर्दिष्ट बिंदु 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 मतलब दिया दिया गया गया कौन है सतु बराबर पाई बट्टे दो पर।, उसी प्रकार से रहा। पर भी हमें दिख रहा है कि पाई दो पर फलन टूट रहा है और हमें फिर से वही बातें क्लियर है सारी पाई बट्टे दो अगर यहां पर लिखा है मतलब पाई बट्टे दो पर तो फलन का मान तीन है लेकिन एक्स जब लेस देन जीरो है तो भी यहीं से फलन का मान मिलेगा जब x ग्रेटर देन है तो भी फलन का मान यहीं से मिलेगा क्योंकि does not equal to pi two लगा है। हमें छोटी मतलब जीरो से छोटी जीरो नहीं पाई बटे दो है भाई यहाँ पे पाई बटे दो लिख लो थोड़ा सा कंफ्यूज पीछे वाला क्वेश्चन दिमाग में चल रहा लग रहा है एक्स की वैल्यू जब पाई बटे दो से छोटी है क्योंकि पाई बटे दो पे टूट रहा है ना फलन तो पाई बट्टे दो से जब एक्स की वैल्यू छोटी है तो भी फलन का मान यही से मिलेगा और जब एक्स की वैल्यू पाई बट्टे दो से बड़ी है तो भी फलन का मान हमें से 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 मिलेगा दोनों यही से मिलेगा दोनों जगह पाई छोटी मतलब कि थोड़ा और पाई बट्टे दो से बड़ी मतलब की आर एचल की बात हो रही है ये बातें तो हमें अब दिमाग में घुस गई है कि सर पाई बट्टे दो से छोटी वैल्यू है मतलब एल एच एल की बात हो रही है और पाई बट्टे दो से बड़ी है मतलब आर एचल की बात हो रही है ठीक ये बातें तो मैं ये रफली दिमाग में चीजें आ जानी चाहिए जब आप क्वेश्चन देखो उस लेवल तक की तैयारी हमारी हो जानी चाहिए कि जब हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आ जाएं कि हमें क्या क्या इसमें निकालना है कि ये चीजें दिए तो क्या क्या हो सकता है कि अगर बराबर पाई बटे दो पे सतत है तो एल एच एल आरच के बराबर होगा और पाई बटे दो के बराबर होगा ठीक उस बिंदु पर फलन के मान के और सर ये चीज हो सकती है कि पाई बटे दो पर तो फलन का मान तीन है ये डायरेक्टली हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि एफ पाई बटे दो पर फलन का मान सीधा तीन है लेकिन पाई बट्टे दो से छोटी वैल्यू के लिए भी फलन का मान यही है और पाई बट्टे दो से बड़ी वैल्यू के लिए भी फलन का मान यही है दोनों चीजों में यही है मान मतलब एलएचएल भी यही से आएगा आरएचएल भी यही से आएगा और फलन का मान यहां से निकल आएगा हमें के का मान निकालना है सीधी सी बात एक ही या है एक समीकरण से काम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं हम यहाँ से एक चीज निकाल लेते हैं या तो एल एच एल निकाल लो या आर एच एल निकाल लो दोनों क्यों नहीं निकालेंगे अरे एल एच एल आर एचल तो बराबर है उसने कह दिया है कि ये सतत है पाई बटे दो पर एल एच एल आरचल निकालेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे उससे के का कमान थोड़ा निकलेगा हम एल एच एल या आर एचल में एक निकाल के और उस बिंदु पर फलन मान के इक्वल कर दें एल एच एल या आल एचल निकाल में कोई एक निकाल लो और इस फलन के इक्वल कर दो उस बिंदु पर फलन के मान के के का मान निकल आएगा

पाई दो पर हमें देखना है एक बात तो हमें पता है एक्स बराबर पाई बट्टे दो पर कि एक्स पाई बट्टे दो पर फलन का मान कितना है तीन के बराबर एल एच एल की बात कर लेते हैं अब। LHL की अगर हम बात करें तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बटे दो माइनस एफ ऑफ एक्स तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस पाई बटे दो पाई बटे दो माइनस एच यहां से क्या हो जाएगा अब x की जगह पर हम क्या करेंगे जहाँ इस फलन में पाई बत, पाई मतलब यहां से मिलेगा तो यहां जहाँ x दिख रहा है वहां पाई बटे दो माइनस एच रख दो रखते हैं यह यहां पर यहाँ पर रखते रख दो के की जगह के ही रहेगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो के की जगह के? कॉस,

टू पाई बटे टू टू से टू कट गया मतलब कि माइनस का पाई ये अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस का टू एच हो गया ठीक टू का अंदर गुणा किया है पाई से पाई उड़ गया क्या बचा ये बचा सर लिमिट एच टेंस टू जीरो के बटे दो साइन एच बटे एच हमने टू एच से टू अलग लिख लिया एच अलग लिख लिया कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमें पता है लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच मानक सीमा से वन होता है के बटे दो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा क्वेश्चन हमारे यहाँ से आसान हो जाएगा ये हो गया के बटे दो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच और हमको ये बात पता है साइड में हम जरूर लिख देंगे कि सर क्या होता है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो वन के बराबर होता है ये मानक सीमा से हमें पता है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच क्या हो जाएगा वन के बराबर हो जाएगा डायरेक्टली इसको वन करो तो के बाई टू इन क्या हो जाएगा वन मतलब कि यहाँ से एल कितना आ जाएगा के बाई टू आ जाएगा बस एल हमारे पास के बाई आ गया कोई दिक्कत कोई समस्या हमें पाई बाई टू पे फलन का मान तीन दिया गया डायरेक्टली इक्वल करके के का मान निकाल लेंगे एल एच एल निकालने में कोई समस्या ही नहीं थी पाई बाई टू से कम पे गए सीधा यहाँ पर रख दिया पाई बाई टू माइनस एच साइन नाइनटी माइनस थीटा थीटा दो से अंदर गुणा कर दिया पाई से पाई कट गया केवल टू एच बच गया प्लस का के बटे टू हमने एक साथ अलग कर लिया साइन एच बटे एच अलग ये वन हो गया सीधा मान निकल आया अब हमारे पास क्या है एल एच एल डायरेक्टली हम बराबर कर देते हैं एफ पाई बटे दो के एल एच एल क्या आया है के बाई टू कितना है तीन के बराबर कितना तीन के की फलन सतत हो, तो के पर पास क्या हो जाएगा निर्दिष्ट बिंदु पर फलन सतत हो जाएगा डायरेक्टली आंसर अगर हम आर एच एल निकालते तो कोई दिक्कत नहीं थी निकाल सकते थे आर एच एल भी निकला होता फिर पाई बट्टे दो निकालते फिर किसी एक को इक्वल करते करते चाहे आर एच एल से करते आंसर छह ही आएगा चाहे आर एच एल से करके देख लेना तो भी आएगा तो उसकी कोई जरूरत नहीं है जहां पे जितनी नीड है हमें टाइम भी तो देखना है हमें क्वेश्चन तुमने देखा होगा जो अर्धवार्षिक परीक्षा भी तुम दोगे अर्धवार्षिक परीक्षा जो दे रहे हो चुके हो तो आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो आते हैं जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठो तो टाइम का पता नहीं चलता कितना टाइम लग जाता है तो वो स्पीड भी हमें मेंटेन रखनी है और थोड़ा स्मार्ट वे में करना है कि क्वेश्चन हमारे में पूरे मार्क्स भी मिल जाए हमें और क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए ज्यादा टाइम भी ना लगे तो क्यों आर एचल निकाले पे निकाल के कर लेते हैं सेम अभी इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे बहुत महत्वपूर्ण नहीं तो क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा ये। सेम क्वेश्चन उसी फॉर्मेट चले क्लियर है चले फिर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं तीस नंबर बढ़िया क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार करो इसे तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन वैसे सारे स्टार वाले हैं मैंने स्टार मार्क नहीं किया वो सारे ही स्टार मैंने क्वेश्चन इसी प्रकार से लिए हैं मिक्स क्वेश्चन लिए हैं कि कभी कोई नंबर आंगे कोई पीछे कर रहे एक पैटर्न के एक साथ बने रहे हैं वो सारी चीजें क्लियर भी हो जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए फलन ये परिभाषित है ताकि फलन सतत रहे अब इस बार दो लोगों के मान ज्ञात करने अभी तक एक का निकालना था के का अब दो मानों का निकालना है अभी तक हमें सिर्फ एक समीकरण की जरूरत थी तो एल एच एल निकाल लिया तो पाई बटे दो पर तो एक ही समीकरण से एक अनोन था निकला है इस बार दो समीकरण चाहिए होंगे क्योंकि ए और बी दो अनोन है दो समीकरण बनेंगे भी क्योंकि फलन भी देखो दो जगह टूट रहा है कहां कहां पे टूट रहा है एक तो सर ये x टू पे टूट रहा है यहां से अगर देखें तो एक तो ये सर x पे फलन टूट रहा है एक टेन पे टूट रहा है दो अलग अलग जगह फलन टूट रहा है सर टू पे छोटे के लिए वैल्यू अलग है टू से बड़े वैल्यू के लिए अलग है दस से छोटे के लिए वैल्यू अलग है दस से बड़ी वैल्यू के लिए अलग है एक्स के मान दो जगह टूट रहे हैं कोई नहीं चलते हैं पहले कुछ बातें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए क्या क्या यहां से क्या क्या मिलेगा हमें ये चीजें हमें दिमाग में डालनी है पहले तो एक तो हमें मिलेगा x बराबर दो पर फलन का मान क्योंकि इक्वल लगा है मतलब कि x बराबर दो पर जो फलन का मान है वो मिल जाएगा कि x बराबर दो पर फलन का मान पांच है ठीक जैसे यहां पर x बराबर दस पर फलन का मान इक्कीस है जहां बराबर लगा है मतलब कि उस पर इक्वल टू का मान भी मिल जाएगा उस बिंदु पर फलन का मान भी मिल जाएगा तो x बराबर दो पर फलन का मान पांच है दिख रहा है और क्या मिल जाएगा एक हमें क्या मिल जाएगा सर एल एच एल भी मिलेगा यहां से किस पर x जब दो से छोटा है x दो से छोटा है मतलब x बराबर दो पर हमें फलन का मान मिल जाएगा और यहां से क्या मिल जाएगा एल एच एल भी मिल जाएगा जो हमारे पास दो से छोटी वैल्यू है यहां से क्या क्या मिलेगा इस पर आ जाओ इस पर सर हमें मिलेंगी दो चीजें यहां पर भी एक तो हमें मिलेगा एक्स बराबर अगर हम देखें एक्स ग्रेटर देन दो पर कि एक्स की वैल्यू जब दो से बड़ी है मतलब कि एक्स बराबर ग्रेटर देन दो मतलब कि आर एच एल मिल जाएगा दो के लिए यहां पर मिलेगा किसके लिए? दो के लिए, ठीक? जब दो से बड़ा है, दो दस दे देगा। किसके लिए? 10 के लिए मतलब दस पर अगर देखें एक्स बराबर दस पर फलन के मान चेक करेंगे तो दस से छोटे के लिए मतलब कि मिल जाएगा यहाँ पर हमें क्या मिलेगा एक तो एक्स तो एक बराबर दस पर फलन का मान मिल जाएगा और एक हमें क्या मिल जाएगा एक हमें x ग्रेटर देन मतलब कि दस पर फलन का मान यहां से इतनी चीजें हमें मिलेंगी हमें किस किस की जरूरत है वही निकालेंगे ऐसे तो हम सारी चीजें निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हम इसके लिए एल एच एल आर एच एल निकाले ठीक एक्स बराबर दो पर फिर दस के लिए एल एच एल आर एच एल निकाले दो पर फलन का मान डायरेक्टली पता है वैसे दस पर फलन का मान ये निकालने मतलब छह चीज़ें वैसे निकालनी पड़ती कि दो पर एल एच एल आर एल दस पर एल एच एल आर एच एल एक्स बराबर दो पर फलन का मान एक्स बराबर दस पर फलन का मान मतलब छह चीज़ें चाहिए थी लेकिन छह चीज़ें हम नहीं निकालेंगे हम चार ही निकालेंगे चार कैसे निकालेंगे एक काम करते हैं यहां से एक्स बराबर दो पर फलन का मान निकाल लेते हैं और एक्स बराबर दो पर आर एच एल निकाल लेते हैं और एक्स बराबर दस पर एल एच एल यहाँ से मतलब ये दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं एल एच एल निकाल लेते हैं

हम ये भी कर सकते हैं कि यहां से हम एल एच एल निकाल लें और यहां से एक्स बराबर दो पर फलन का मान निकाल लें लेकिन एल एच एल से कोई फायदा नहीं क्योंकि यहां पर डायरेक्टली फाइव वैल्यू आएगी वो कंफ्यूज कर देगा देखो मैं क्या करूंगा अभी समझ में आ जाएगा जब मैं करूंगा तब क्लियर हो जाएगा देखो, क्या कर रहा हूं देखो हमें क्या क्या पता है वो सब चीजें मैंने यहां पर अभी लिख दी है हम पहले लिखते हैं x बराबर दो पर बात कर लेते हैं x बराबर दो दो से हम क्या निकालते हैं क्योंकि दो ही बिंदु है दस और दो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना दो बिंदु है दो लिया पहले x बराबर दो पर x बराबर दो पर हमें फलन का मान सर पता है

जीरो दो प्लस एच अब दो प्लस एच कहा दो प्लस एच का मतलब क्या है दो से बड़ा दो से बड़ा एच का मान पॉजिटिव है दो से थोड़ा बड़ा तो दो से बड़ी वैल्यू के लिए कहा मिलेगा एक्स की वैल्यू जब दो से बड़ी है। क्या है समीकरण ए एक्स प्लस बी मतलब फलन का मान क्या है एक्स प्लस बी एक्स का मान जब दो से बड़ा है तो फलन का मान ए एक्स प्लस बी है उस फलन में दो एक्स की जगह टू प्लस एच रख दो ना हमने रख दिया टू प्लस एच पहले वही लिमिट भी तो लगा लो लिमिट एच टेंस टू जीरो दो ए की एक्स की जगह रखना है ना ए दो प्लस एच और प्लस का बी एच की जगह जीरो रखो टू ए प्लस बी ये एल ए आ गया ठीक हम ए आ हमने क्या किया हमें पता है कि फलन हमारे पास क्या बोल रहा है फलन हमसे बोल रहा था ए बी का मान ज्ञात करो ताकि द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो ठीक ए बी के मान ज्ञात करना कि कि फलन सतत हो। सतत हो हो मतलब कि चल, चल के इक्वल हो उस बिंदु पर फलन के मान के इक्वल हो इस बिंदु पर हम फलन का मान इक्वल कर देते हैं एफ ऑफ टू ये क्या है टू ए प्लस बी बराबर कितना आ गया पांच पहली समीकरण हमें यहां से डायरेक्टली मिल गई इसलिए हमने निकाला कि एक समीकरण हमें यहां से मिल लेंगे और बड़ी वैल्यू जब है दस से बड़ी वैल्यू है तो फलन का मान इक्कीस है हमें ए बी का मान निकालना इक्कीस का हम क्या करेंगे इसका इक्कीस का यूज तो सिर्फ इक्वल टू के लिए हम करेंगे अब दस के लिए बात कर लेते हैं देखना एक्स बराबर दस पर एक्स बराबर दस पर अगर पहले फलन का मान देख लें तो एफ ऑफ दस जो है वो हमारे पास इक्कीस के बराबर है अब एल एच एल यहां से ले लेते हैं एल एच एल से क्या फायदा होगा अभी दिख जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टेन माइनस ऑफ लिमिट एच टेंस टू जीरो कहां रखेंगे जब हमारे पास फलन दस से छोटा है एक्स की वैल्यू जब दस से छोटी है फलन का मान क्या है एक्स प्लस बी रक दो x की जगह लिमिट h tends टू zero a दस माइनस h और प्लस का b h की जगह जीरो रखा तो क्या आ गया है a ten या ten a लिख दो ten a plus b ये हमारे पास l h l आ गया x बराबर ten पे ये l h l आ गया फलन का मान हमारे पास है ही तो यहां से फिर से क्या करते हैं l h l जो है वो बराबर है f ऑफ ten के l h l आया है ten a plus का b इक्वल टू इक्कीस इसको समीकरण दो दे दो समीकरण एक दो से ए बी की वैल्यू आराम से निकाल लोगे समीकरण एक व दो से लिखो समीकरण एक क्या है समीकरण एक है टू ए प्लस बी इक्वल टू पांच ठीक दूसरी क्या है टेन बी टेन ए प्लस बी इक्वल टू हमारे पास क्या है 21. विल ओपन विधि प्लस प्लस क्या है घटाने पर कर दो बी से बी कट गया ये कितना बचा माइनस का आठ है बराबर ये कितना बचा माइनस का सोलह ए बराबर कितना आ गया आठ दो सोलह माइनस माइनस प्लस हो गए, की वैल्यू दो आ गई बी की वैल्यू निकाल लेते A की वैल्यू यहां पर दो रख देते समीकरण एक से समीकरण एक से बी की वैल्यू की वैल्यू उठा के रख दो यहां पर दो मल्टीप्लाई दो प्लस का बी इक्वल टू पांच चार प्लस टू पांच बी बराबर आ गया पांच माइनस चार बी बराबर आ गया एक ए बी की वैल्यू चाहिए दो है बी बराबर वन है डायरेक्ट आंसर आ गया क्वेश्चन देख लो कितना बड़ा है क्वेश्चन बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है और लॉन्ग में पूछता जाता है क्वेश्चन क्वेश्चन ये पूछा गया पांच छह नंबर में इसी वजह से कि इतना ज्यादा ये जो चल रहा है कि कितना फलन टूट रहा है हमें क्या क्या निकालना हो सकता है निकालने को अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं हमें ये भी हम निकालते हैं आर एच एल भी मान लो हम एल एच एल भी निकाल लेते हैं यहाँ पर एल एच एल निकाल लेते उससे क्या हो जाता एल एच एल निकालते मान लो निकाल लेते क्या होता यहाँ पे लिखते हैं माइनस हो हो जाता, f of x हो जाता, limit. हमें ये दिख रहा था ना कि दो और दस पे टूट रहा है। तुम यही करते है भाई पहले LHL यहां से छोटी वैल्यू के लिए दो से छोटी वैल्यू के फलन का मान क्या है डायरेक्टली यहां पर वैल्यू पांच आती तो इसका क्या मतलब था पांच का एफ ऑफ टू पे फलन का मान पांच है बस इसी का उपयोग कर लो ना

आज के वन शॉर्ट की बात करें तो हम लोग एट्टी परसेंट हो चुके हैं बस ट्वेंटी परसेंट बाकी बाकी हम लोगों का काम हो गया बस थोड़ी देर बैठना है ऑकलन थोड़ा सा पढ़ते हैं थोड़ा सा ऑकलैंड के बारे में जान लेते हैं ऑकलैंड स्टार्ट कर देते हैं कुछ ऑकलैंड की बेसिक बातें कर लेते हैं बाकी ऑकलैंड के जो और भी क्वेश्चन है वो अगले वन शॉर्ट में हम लोग कर लेंगे ठीक पार्ट वन यहां से कम खत्म करेंगे पहले थोड़ी सी ऑकलैंड के बारे में बात कर लेते हैं कुछ डायरेक्टली फार्मूला क्योंकि ओकल नहीं आता पर अब कोई क्वेश्चन नहीं बनता जो ओकल नेता का डायरेक्ट क्वेश्चन आता था पहले बात तो सिलबस से ही हटा दिया गया यूपी बोर्ड ने हटा दिया एनसीआर ने हटा दिया बहुत से सिलेबस से हटा दिया गया वैसे भी उस पे क्वेश्चन आते नहीं था बहुत कम चांस से एक आध क्वेश्चन आता भी था अब आएगा भी नहीं ठीक तो उसकी बात तो करनी नहीं सीधे ओकलैंड पे चलते हैं ओकलैंड को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फार्मूले सीखने हैं ऑकलैंड के फार्मूले से ही अब काम होगा अब इतना लंबा लंबा काम नहीं होगा सबका मन पसंदीदा टॉपिक है कि डायरेक्ट फार्मूला लगाओ आंसर लो चैन रूल लगाओ आंसर लो अब डायरेक्ट आंसर आएंगे, सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है? फार्मूले मैं एक बार लिख रहा हूं, के, सब लोगों जिसको याद है ऑकलैंड तो को डी बाई डीएक् दर्शाते हैं एक्स के अचर का ऑकलन किया कॉन्स्टेंट का जीरो होता है डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है डी वाई बाई डी एक्स इसी से कुछ फार्मूले और बन जाते हैं कि एक्स का डायरेक्टली हम लोग वन यूज में ले लेते हैं जबरदस्ती के बनाए हुए फार्मूले रूट एक्स का डायरेक्ट लिख लेते लिक हैं वन अपॉइन्ट टू रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इसके बाद ये तो सब हो गया कोई दिक्कत नहीं लॉग एक्स का लिख लो लॉग एक्स का सर वन अपॉइन एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का रख लो ए की पावर एक्स लॉगे होता है डी वाई बाई डी एक्स इ की पावर एक्स का लिख लो ई की पावर एक्स का डायरेक्टली ई की पावर एक्स होता है ठीक ये हो गए और चले डीवाई बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है डीवाई बाई डी एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स ठीक साइन हो गया कॉस हो गया टेन ट एक्स डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉसेक एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स सबको पता है ना कॉट एक्स का माइनस कॉशेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और कॉशक एक्स का होता है माइनस का कौशिक एक्स कॉट एक्स

सेकंड वर्स एक्स सेकेंड वर्स एक्स में क्या होता है ए, प्लस का रहेगा इसमें तो वन अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसे डी वाई बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस आ जाएगा वन अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का वन देख लो लिख लो एक बार यार लिखे हैं तो अच्छी बात है आपको अगर पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो लिख लो और बाकी पता होना जरूरी है अब तक आने चाहिए सारे फार्मूले याद होने चाहिए कोई फार्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं याद है कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं होना चाहिए जो आपको याद नहीं सारे फार्मूले याद होने चाहिए जिसको याद वो ज्यादा आसान रहेगा उनको क्वेश्चन सोल्व करना ठीक है सारे हो गए चले आगे कोई झूठा तो नहीं सब कुछ हो गया वैसे की पावर एक्स लॉग एक्स का भी लिख लीजिएगा बाकी तो ठीक ही है ठीक है जो आएगा देख लेंगे लिख लेंगे फिर क्लियर स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 5.2 चलते हैं 5.2 करते हैं सीधा एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन मैंने 20 से लिए हैं मिक्स क्वेश्चन लिए हैं 36 नंबर क्वेश्चन 20 से उठाया प्रश्नावली 5.2 का कभी उदाहरण होगा कभी प्रश्नावली होगा मैंने सारे उस टाइप से क्वेश्चन डिजाइन किए हैं ताकि सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाए जैसे श्रृंखला नियम से स्टार्टिंग करनी है हम लोगों को श्रृंखला नियम के कुछ क्वेश्चन है फिर उसके बाद तो फलनों के अवकलन फिर, तो फिर चर घात फिर लगुणक के अवकलन सीखेंगे फिर चर की घात चर के अवकलन सीखेंगे इस प्रकार से औकल का क्रम चलता रहेगा ठीक पहले चलते हैं श्रृंखला नियम पे सबको पता है श्रृंखला नियम चैन रूल पता है ना स्टार्ट करते हैं सीधा ऑकलन डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है साइन A की पावर एक्स प्लस बी पहले बेसिक क्वेश्चन है 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 एकदम आसान क्वेश्चन पहले पहले क्या क्या मिला इधर से से चलते हमेशा लेफ्ट से चलेंगे राइट की तरफ पहले क्या दिख रहा है? साइन, तो साइन का कर दो साइन का का क्या 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 होता है? साइन एक्स का क्या होता है एक्स. एक्स की जगह क्या लिखा है है की जगह लिखा जो क्योंकि पूरा वैसे ही एक्स की जगह जो लिखा है उसको लिखा दो तो है जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा स्पीड में फास्ट करेंगे ये सब चीजें हम लोगों को क्लियर है थोड़ा सा रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने कर दिया कि चैन रूल भी थोड़ा रिवाइज हो जाए कैसे चल रहा था ठीक है

के अंदर ठीक कोई दिक्कत नहीं क्या क्या मिला 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 हमें पहले पहले सेक मिला. सेक मिला तो का ओकलन क्या होता है सर एकस, की जगह क्या लिखा है root x. वैसे ही लिख दो एकस, एकस की जगह जो लिखा है लिख दो root x. फिर क्योंकि का क्या अब भाई x की जगह x तो मिला नहीं था जो मिला था उसका ओकलन फिर से करना पड़ेगा क्या लिखा है tan √x ये तो फेवरेट टॉपिक है तुम लोगों का यार ये तो सब आते ही अच्छे से ना इसको जो लिखा है इसको लिखा रहने तो क्या ही कर सकते हैं इसका मैं तो कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा है कुछ गंदा सा बनना है बना रहने दो तो कुछ गंदा सा tan 10 √x 10X का क्या होता है कोई ऑप्शन ही नहीं दोबारा करना ही पड़ेगा ठीक नेक्स्ट लाइन फिर से चलते हैं डायरेक्टली ना करना स्टेप वाइज करना ताकि क्वेश्चन गलत ना हो एक बार करो उसके बाद छोड़ दो वहां पर अगली लाइन से फिर से लिखो थोड़ा सा लिखना होगा लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा ठीक है बार बार लिखने में भी लेकिन लिखना पड़ेगा लिखना ही मुझे तो लग रहा है कि मैं ये डायरेक्टली एक ही लाइन में इसका आंसर लिख दू लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है ठीक है X का क्या होता है है तो सीधे इसको लिख लिख लेते हैं ठीक बस यहीं पे आंसर कुछ नहीं बटे में है वो कहीं भी आगे पीछे यही आंसर है रूट एक्स का कर दिया वन अपॉइंट टू रू टैक्स हो गया अपॉन में आ गया सीधा सब बुढ़े में है सब बुढ़े में चल रहा है आराम से आंसर आगे ठीक ये भी श्रृंखला नियम का क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे कुछ थोड़ा सा बड़ा हुआ आगे वाला और बड़ा होगा ठीक है दो फलन का गुणा दो फलन जब गुणा में लिखे दिख रहा है माध्यम से जुड़े मतलब कि यूवी रूल हमें लगाना पड़ेगा और फिर यूवी रूल के अंदर श्रृंखला नियम लगेगा क्योंकि फलन के फिर अंदर कुछ फलन बनना है फलन के अंदर फिर कुछ फलन बनना है मतलब कि अंदर फिर से श्रृंखला नियम लगेगा पहले यूवी रूल लगाते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है किसका कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव ठीक दी, कोई दिक्कत नहीं करते पहले का औकलन दूसरे को छोड़ा प्लस दूसरे का ओकलन पहले को छोड़ा चलो मान लो इसी को छोड़ो तो दो कोई दिक्कत नहीं कॉस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स साइन इस स्क्वायर का मतलब होता है पूरे का एक्स की पावर फाइव का स्क्वायर ठीक इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर लगा मतलब कि पूरे का स्क्वायर है ये एक्स का केवल स्क्वायर है एक्स की पावर फाइव है तो एक्स की पावर फाइव दिखा रहा इसका मतलब है पूरे का तो हमने ब्रैकेट लगाया पूरे का स्क्वायर लगा लिया ठीक प्लस इसका छोड़ा साइन एक्स की पावर फाइव के स्क्वायर को छोड़ दिया और डी वाई हमने क्या किया कॉस का कर लिया कॉस क्या है कॉस एक्स की ठीक कोई दिक्कत नहीं एक्स क्यूब ऐसे रहने दो एक्स क्यूब है कोई दिक्कत नहीं ऐसे रहने दो इसका करते हैं अब इसमें श्रृंखला नियम लगेगा अब की, पावर पहले, X की पावर लगेगा पहले पूरा इसको X, फिर तो पूरे की पावर है मतलब कर इसको पूरे को एक्स इसको एन तो एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स ठीक एन एक्स की पावर एन माइनस वन टू माइनस वन वन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं यही आ जाएगा ठीक

और डी वाई डी एक्स सीधा फिर एक्स क्यूब का होगा। बिल्कुल ही चलना। आसान क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन का पूरा आंसर आएगा और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है श्रृंखला नियम भी लगना है यूवी रूल भी लगना है तो इस हिसाब से ठीक है चलो आगे क्या बच्चा यहाँ पर ये टू आगे ले लेते हैं टू कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर फाइव बचा ठीक कॉस एक्स की पावर फाइव इसको लिख ही लेते हैं पहले कॉस एक्स की पावर फाइव तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स कर लेते हैं जगह की पावर फाइव और डी बाई बाई डी एक्स एक्स की पावर फाइव का दोबारा करेंगे प्लस ये माइनस आगे ले लेते हैं तो इस प्लस को हटा लेते हैं माइनस लगा लेते हैं ये माइनस हमने आगे ले लिया यहाँ पर क्या है ये है साइन एक्स की पावर फाइव का होल स्क्वायर ये क्या है हमारे पास साइन एक्स एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री एक्स इसका काम खत्म क्योंकि केवल पावर फाइव कॉस एक्स की पावर फाइव एक्स की पावर फाइव का क्या हो जाएगा फाइव एक्स की पावर फोर एक्स की पावर एन लगाएंगे फाइव नीचे एक्स की पावर फोर हो जाएगा फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा तो ये हो गया फाइव x की पावर फोर माइनस साइन x की पावर फाइव स्क्वायर साइन x क्यूब यार इसको थ्री को आगे लिख लेना चाहिए था थ्री एक्स स्क्वायर को यहीं पे लिख लेते हैं ना माइनस थोड़ा छोटा कर लेते हैं ये माइनस लगाया और ये लगाया थ्री एक्स स्क्वायर को आगे लिख लिया ठीक कोई दिक्कत नहीं ये फाइव स्क्वायर एक्स पावर फोर को आगे ले लो पाँच दूना दस हो गया तो दस एक्स की पावर फोर अब आंसर आ गया कॉस एक्स की पावर फाइव साइन एक्स की पावर फाइव फिर कॉस एक्स की पावर फाइव दो बार है कॉस एक्स की पावर फाइव अच्छा ये एक्स की पावर थ्री है यार इसको सही कर लेना हमें कहें दो बार कहाँ से आ गया दो बार दो बार दो बार दो बार कहाँ से ये कॉस एक्स क्यूब है ये भी कॉस एक्स क्यूब है हुँ? ठीक है ये क्यूब है बाकी देख लेना ऊपर कहीं इधर उधर हो गया हो भाई फिर ये कॉस एक्स की पावर फाइव और पान ऊना दस हुई गया तो एक्स पावर फोर आगे चले गए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर देख लेना कुछ कॉमन ऑमन आ रहा हो तो ले लेना बाकी वैसे यही पक सही है बस यही आंसर हो गया साइन एक्स क्यूब हमें लग रहा कॉमन आ रहा नहीं आ रहा कहीं नहीं कुछ आ रहा है ठीक है यही पे आंसर हो गया बस यही आंसर है कुछ गंदा सा आंसर आ रहा है कोई नहीं अच्छा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऑकलैंड जब क्वेश्चन आता है श्रृंखला नियम से तो इसी प्रकार का क्वेश्चन मैक्सिमम चांस रहता है इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा वो एक नंबर में आ सकता है एक नंबर दो नंबर में आ सकता है क्वेश्चन एक नंबर में दो नंबर में बन जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो तीन या चार नंबर में बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है क्योंकि श्रृंखला नियम भी लग रहा है और यू वी रूल लग रहा है बस लेकिन आता है आप लोगों को हमें पता है आप लोगों को आता है आराम से क्योंकि आसान है ऐसा कुछ है नहीं बस आराम से यू वी रूल लगाओ और एक एक स्टेप वाइज करते चले जाओ कन्फ्यूज नहीं होना ध्यान रखना कहां क्यूब है कहाँ फाइव है बस उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है चले आएंगे छठा हो गया अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन ये हमने क्वेश्चन विविध प्रश्नावली से लिया है विविध हाँ प्रश्नावली में दिया गया क्यों लिया है अभी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है लेकिन एक छोटी सी लॉग की प्रॉपर्टी लगनी है बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से काफी बच्चे क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं कुछ बच्चे गलत करके आते हैं गलत क्या करके आते हैं लोगों को लगता है ये लॉग लॉग एक्स लिखा है अगर केवल तुम्हें लॉग कहीं लिखा मिलेगा तो तुम्हें पता होना चाहिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो नेचुरल बेस लगा लगा है मतलब e लगा है नेचुरल बेस बेस मतलब लॉग के जो base है वो ई e है यहाँ पर भी ई e है यहाँ पर भी ई e है नहीं लिखा है मतलब कि e है इस क्वेश्चन में इसने क्या किया यहाँ पर बेस लिख के दे दिया हमें जो अवकलन पता है लॉग एक्स का डीवाई बाई डी एक्स जो हम लॉग एक्स का अवकलन लिखते हैं डायरेक्टली वन अपॉन एक्स ये होता है बेस ई e के लिए ये बात हमें पता है यहां पर बेस सेवन लगा है तो डायरेक्टली हम अवकलन नहीं लगा सकते इस बेस सेवन को हमें बदलना है जिसे बेस चेंज कहते हैं लॉग में तो बेस को बदलने वाली यहां पर एक प्रॉपर्टी लगनी है जो लॉग का बेस बदल दे यहाँ पर सेवन है तो ई हो जाए अगर बेस तो हम अवकलन कर लेंगे तो ई बेस बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी उसकी बात कर लेते हैं उसको समझ लेते हैं अगर हमारे पास कुछ भी लिखा है मान लो लिखा है लॉग बी ए ठीक कोई दिक्कत नहीं या लॉग ए बेस ई लिखा है लॉग A, में B लगा है। कोई बेस में कोई भी हमारे पास संख्या हो सकती है तो वास्तविक संख्या अगर कोई यहाँ पर लगी है बी लगी ठीक तो होगा क्या यहाँ पर अगर लॉग ए बेस बी लिखा है हमें मान लो इसे कुछ बेस बनाना है तो पहले तो लिख लो लॉग ए अपॉर लॉग बी पहले जो यहाँ पे लिखा है वो ऊपर जो यहाँ लिखा है उसको नीचे और जो भी बेस बनाना है उसको नीचे इसमें लगा लो दोनों बस सेम लगाना तो मैं यहाँ बेस पांच रहा है तो यहाँ भी पांच लगा लो यहाँ भी पांच लगा लो बेस दस बनाना है यहाँ पे दस लगा लो यहाँ पर दस लगा लो बीस बनाना है बीस लगा लो बीस लगा लो जो तुम्हें बनाना है वो लगा लो हमें ई चाहिए तो हमने ई लगा लिया लॉग ए बी लिखा है लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख के जो भी बेस लगाना है लगा लो सेम यही चीज यहाँ पर यूज करेंगे क्या करेंगे हमें यहाँ पर क्या करना है ध्यान से समझना यहाँ पर क्या करोगे जैसे हमें लॉग सेवन है इसे लॉग ई e बनाना है हमें पहले जो लिखा है उसको वैसे ही लिख लू क्या है मान लो ये लिखा था लॉग सेवन लॉग एक्स ये लिखा है तो ये जो लिखा है पूरा ए हो जाएगा क्योंकि जैसे ये यहां पे लिखा होता है वो ए होता है तो लॉग ए अपॉन लॉग भी हो जाता तो पूरा लॉग ए लॉग एम मतलब ए कहाँ पे है ये तो लॉग लॉग एक्स ठीक ब्रैकेट क्या लगाओ ब्रैकेट क्या ही लगाओ ठीक कोई दिक्कत नहीं अपॉन लॉग बी लॉग बी क्या हो जाएगा लॉग सेवन ये बात समझना इंपॉर्टेंट है जैसे लॉग के बाद यहाँ पर ए लिखा था तो सीधा लॉग ए आ गया ए पूरा ए आ गया यहाँ पर ए की जगह पर लॉग एक्स लिखा है तो लॉग फिर लॉग एक्स अपॉन लॉग सेवन बी की जगह सेवन लिखा है तो लॉग सेवन तो लॉग एक्स यहाँ पर क्यों है क्योंकि यहाँ पर ए की जगह पर लॉग एक्स लिखा है तो ये हो गया लॉग लॉग एक्स अपॉन लॉग सेवन और हमें बेस क्या चाहिए हमें बेस ई चाहिए तो बस ई लगा लो कोई दिक्कत नहीं ठीक कोई दिक्कत नहीं दोनों जगह बस यहां पर भी ई लगा लो यहाँ पर भी ई लगा लो लॉक सेवन बेस ई कॉन्स्टेंट हो गया ये बाहर आ जाएगा इसका औकलन हम लोग कर लेंगे अब इसको क्या करो इसको लिख लो वन अपॉन लॉग सेवन डी वाई बाई डी एक्स इसका औकलन कर लो लॉग ई लॉग एक्स

यही हो जाएगा बस इसलिए इंपॉर्टेंट है, है, है तो इसी को लॉग लेके लॉग का वन अपॉन एक्स तो वन अपॉन सेवन और फिर लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स करके कुछ ऐसे कर देते हैं कुछ वो गलत हो जाता है हमें बेस चेंज थी यहाँ पर यह चीज समझना इंपॉर्टेंट जो भी बेस बनाना है वो लगाना सेम बाकी A upon B. अब पर पर की जगह पर क्या लिखा था X, तो X upon log 7. ठीक? तो ठीक क्योंकि ए पूरा ये है और B हमारे पास 7 था उसके according question solve कर लेंगे answer आ जाएगा आगे भी यूज होगा कहीं ना कहीं बीच में क्वेश्चन में तो बताते रहेंगे आपको बाकी परेशानी की बात नहीं ये हो गई हमारे पास लॉग के चैन रूल पर आधारित क्वेश्चन बस ये क्वेश्चन जो इस टाइप के कल लिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर ले, ले रहे हैं तो चैन रूल पे जो भी क्वेश्चन बनेगा तुम सारे लगा लोगे बस इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हो तो आराम से सारे क्वेश्चन जो भी फ्रेम होंगे इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पर इसी लेवल का क्वेश्चन बनेगा इस लेवल पे आराम से कर लोगे क्वेश्चन इसके बाद शुरू होती है फाइव पॉइंट थ्री हमें बात करनी होती है स्पष्ट फलनों के अवकलन के यही है फाइव पॉइंट थ्री हाँ फाइव पॉइंट थ्री ये हमारे पास स्पष्ट फलन जो है उनका औकलन है स्पष्ट फलनों का औकलन है स्पष्ट का मतलब क्या है स्पष्ट नहीं है सीधी सी बात ही है उनको अलग करना ऐसे आसान नहीं होगा एक्स वाई मिक्स रूप में लिखे होंगे कुछ नहीं करना होता इन क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं हमें लगता है कि सबसे बेहद आसान क्वेश्चन यही है होते हैं आप पूरे समीकरण का एक समीकरण लिखिए पूरे समीकरण का एक्स सापेक्ष अवकलन कर दो

x के सापेक्ष चौकलिन कर दो कुछ नहीं करना x के सापेक्ष चौकलिन कर दो ये भी पता है x भी चर होगा y भी चर होगा y का चौकलिन dy by dx होगा बस इतना पता होना चाहिए two constant है बाहर x का अवकलन क्या हो जाएगा dy by, by dx का सीधा one लिखते है? कोई दिक्कत नहीं two constant बाहर x का one three constant बाहर y का करेंगे तो dy by dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे sine y है वाई का करोगे तो क्या आएगा कॉस वाई फार्मूले वैसे ही चलेंगे, जैसे के लिए चलेंगे तो डीवाई बाई डी एक्स अब बस ये चीज याद रखना सेकंड स्टेप क्या होगी एक बार तो एक्स के साथलेट कर दो सेकंड स्टेप तुम्हारी ये होनी चाहिए जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स बनना है अलग अलग जगह जगह कुछ कुछ निकलते हुए तुम्हें दिखाई उगते हुए दिखाई देंगे जो उगते हुए दिखाई दें उनको एक साथ कर लो बाकी सबको एक साथ कर लो एक साथ करके कॉमन लेके बाकी सपोज साइड भेजो आंसर हो गया इसको इस साइड ले लो उसको इस साइड ले, ले लेते हैं। तो टू बराबर हो गया ले लो कॉस वाई माइनस थ्री हमें डीवाई बाई ये निकाल लो डीवाई बाई डीएक्स टू अपॉन कॉस वाई

एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर ये क्वेश्चन है एक्स स्क्स एक 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 वाई प्लस टू सौ देखो यहाँ पर बाकी वैसे जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे करते सीधा भी इसका भी एक्स वाई के साथ पे सीधा औकलन मारते बराबर का डीवाई बाई डी एक्स हंड्रेड

dy/dx बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं इक्वल टू 0 जहां dy/dx है उनको कॉमन ले लो ये 2x y इनको एक साथ रहने दो प्लस dy/dx यहां से कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा ये x मिल जाएगा यहां से यहां से प्लस का 2y मिल जाएगा इक्वल टू 0 ठीक इसको इस साइड भेज दो तो dy/dx x 2y इनको इस साइड भेज देते हैं सीधा -2x का y हमें क्या निकालना है हमें dy/dx निकालना है निकाल लो dy/ dx क्या हो जाएगा का 2x का y अपॉन में सीधा बटे में लो क्वेश्चन साथ-साथ करते रहो x 2y आंसर हो गया बस आंसर है कुछ नहीं है यही करना है जो भी दिया जाए अवकलन कर दो बस थोड़ा y के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखना कि वो भी एक वेरिएबल एक चर की तरह ट्रीट होगा जैसे x के लिए सारे फार्मूले लगते हैं वैसे y के लिए लगेंगे बस ये याद रखना जब y बचेगा आखिरी में जैसे x बचता है तो वहीं पे हम छोड़ देते हैं कि x का ओकलन वन हो गया ऐसे y जब बचेगा तो डीवाई बाई लिख देंगे बस जहां जहां y बचता है वो डीवाई बाई अलग अलग वही बनता चला जाता है बीच बीच में उगते हैं पेड़े से उनको एक साथ पेड़ों को इकट्ठा करो बाकी सबको एक साइड भेज दो ठीक है चले अगला अंगला हो गया छठा करते उसी प्रकार का है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू वन करते हैं इसका भी

और साइन एक्स का दोबारा करना पड़ेगा एक्स ए, इसका क्या हो जाएगा टू कॉस वाई, वाई का वॉस टू अभी तो स्क्वायर वाई का हुआ ना डीवाई बाई डी एक्स कॉस वाई तो जीरो ये हो गया। टू प्लस। ये हो गया टू कॉस वाई कॉस वाई का दोबारा करेंगे तो माइनस का साइन वाई हो जाएगा ठीक इक्वल जीर। टू जीरो टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया यार ये तो साइन टू एक्स हो गया टू एक्स माइनस टू साइन वाई ये भी अच्छा टू हो जाएगा और ये साथ में इसके डी बाई डी एक्स भी साथ है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो डीवाई बाई डी एक्स निकालना साइन टू एक्स को उस साइड भेज दो तो माइनस का इसको इस सीधे प्लस ही रहे सबका है माइनस हो साइन टू एक्स बराबर sin 2y और dy by dx. तो सीधा गया 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 वो आ गया, sin 2x sin 2y. आ बढ़िया आंसर फार्मूला बीच में रहा था x, देखो जो फार्मूला त्रिकोण मिति में ये चीजें याद रखना जब भी त्रिकोण मिति की कोई चीज चल रही हो बीच में फार्मूला बनता है तो उसकी जगह लिख दो साइन टू वाई सीधे फार्मूला लिख दो डीवाई बाई डी एक्स जहां जहां बने इकट्ठे करो समेटो भेज दो उस साइड आंसर आ जाएगा इसी प्रकार अस्पष्ट फलनों का औकलन करना है जो 5.3 में दिए गए हैं सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं कोई क्वेश्चन इससे टफ नहीं बनेगा सब इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये हो गया पीछे श्रृंखला नियम की श्रृंखला नियम के कैसे क्वेश्चन बनते हैं अस्पष्ट फलन हो गया जो हमारे पास फाइव में दिया गया है इसी फाइव में आगे शुरू होता है प्रतिलोम त्रिकोण मित्तीय फलनों का औकलन इन्वर्स टिक्नोमेट्री फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इन पर जो अवकलन के क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात हम करेंगे अगले वन शॉट में यही पर अपने लेक्चर को विराम देंगे एक पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया है हम लोगों ने 50 परसेंट से ऊपर पार्ट लगभग फिनिश 50 परसेंट तो कर ही लिया अब ऑकलैंड की केवल एक्सरसाइज बची है ऑकलन के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाते हैं 50 से ऊपर हो गया अप्रॉक्स 60 परसेंट तक हम लोग कर लिया बस 40 परसेंट बचा है वो नेक्स्ट वन शॉट में देख लेंगे 50 55 के की हो ही है हम लोगों का नेक्स्ट वन शॉट में हम लोग कर लेंगे अगर अभी करते तो कर सकते थे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाता टाइम है अपने पास अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हम लोगों के पास अभी कौन सा अक्टूबर अक्टूबर नवंबर जो भी है

और अच्छे से लगाओगे जैसे बाकायदा मैंने लिखे वो इस लिखने का पैटर्न फिक्स है सब में उसी लिखने के पैटर्न के हिसाब से आप लोग सभी लोग क्वेश्चन लगा लेना जैसे मैंने लिखा है सेम इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना पूरे, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे उसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है तो जैसा भी था वन शॉट बताना मुझे कैसा लगा आपको वन शॉट क्लास को लाइव कर लेना सब्सक्राइब कर लेना लाइव क्लासेस अपनी चलती रहेंगी मिलते हैं अगले पार्ट में इसके टाटा बाय बाय